वालेकुम क्लास दिस इज मोहम्मद हाशमजे एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ फ्लिक्स पे वॉचिंग मैथिक्स बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग आईबीए सीएस मैथ पेपर लेक्चर नंबर 2 की वीडियो को सॉल्व कर रहे होंगे यानी कि लेक्चर नंबर 2 जो कि रीसेंट पास्ट पेपर्स आईबीए सीएस के मैं उसको सॉल्व करवा रहा हूं ये लेक्चर नंबर 2 आ रहा है वो तमाम बच्चे जो अभी आईबीए सीएस में अप्लाई कर रहे हैं बेटा आपके लिए चीज नेसेसरी है कि आपने जितनी तैयारी अपनी करनी थी वो आप कर चुके हैं अब आपने लास्ट के डेज के अंदर पास्ट पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है और स्पेशली जो मैं पेपर्स सॉल्व करवा रहा हूं ये कॉम्बिनेशन है उन तमाम रीसेंट

कि भाई वो तमाम बच्चे जिन्होंने मेरे बीबीए के पास पेपर्स के लेक्चर्स को लिया था और वो तमाम बच्चे जिन्होंने बेटा बीबीए के पास पेपर्स के लेक्चर्स को लिया था उनमें से मेजोरिटी का डायरेक्ट एडमिशन हुआ आई होप कि आपने उनके फीडबैक्स को भी देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने अलमदुल्ला फीडबैक्स भी दिए जिनको मैं रिसेंटली पोस्ट भी किया था मैंने तो आई होप कि आपने उनको सबको भी देखा होगा तो भाई ये पास पेपर्स के लेक्चर्स बेतहाशा इंपॉर्टेंट है आपने जितनी भी तैयारी करनी थी आप वो कर चुके हैं अब आपने सिर्फ पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा सोल्व करना है तो आइए चलते हैं अपने पेपर के ऊपर पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है दो के अंदर पूछा गया बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर

जाहिर सी बात है 62 परसेंट प्रॉफिट किसका होगा ये होगा हमारी जो हम, हमारी

बाइक बेची है अब मैं कैसे निकालूंगा भाई सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा प्रॉफिट मार्जिन इसका कि भाई किसने 62 परसेंट प्रॉफिट के अंदर जो बाइक बेची है यानी कि कितने इजाफी पैसे इसने लिए हैं तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई देखो मुझे पता है कि हातिम ने जो बाइक खरीदी थी वो खरीदी थी एक लाख

एंड में लगा दीजिए यानी कि मेरे पास वो प्राइस आ गई कि कितना इसने प्रॉफिट कमाया था ये उसकी प्राइस आई है ये एट थ्री सेवन डबल जीरो हम लोगों ने उस चीज की प्राइस निकाल ली कि हातिम ने प्रॉफिट कितना कमाया था ये कैसे निकाली है प्राइस बहुत सिंपल है कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर के देखो आपको ये बताया हुआ क्वेश्चन के अंदर हातिम ने प्रॉफिट कमाया तो किसका कमाया एक्चुअल प्राइस का तो हमने सिक्सटी प्रॉफिट को सिंपल एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करवाया तो पास वो नंबर आ गया कि इन न्यूमेरिक फॉर्म उसने टोटल कितने पैसे कमाए

18 आपका आंसर होगा, बट चेक कर लेते हैं भाई भाई कितना आएगा? सिंपल तरीके से एक हजार को अगर आप आप ऐड ऐड करवा करवा रहे रहे हो हो किसके अंदर? में 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 तो तो जीरो 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 का 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 सात सात पांच पांच तीन तीन करोगे क्या बनता है बेटा? एक एक दो देखो कैसे सॉल्व

सबसे कॉमन काम क्या करोगे आप सबसे पहले उनके फैक्टर्स को देखो है होता है कि सबसे पहले नंबर के उपर, जो भी वो एक बार लिखो जो भी दोनों में कॉमन आ रहे हैं वो एक बार लिखो और जो नंबर दोनों में कॉमन नहीं आ रहा फिर वो एक, एक बार लिखा जाता है दोनों में कॉमन क्या क्या नंबर आ रहे हैं फाइव फाइव दोनों में कॉमन आ रहे थे मैंने एक दूसरे को ऊपर नीचे लिखा जान बुझ के ताकि आपको बात क्लियर हो जाए सेवन सेवन दोनों में आ रहा है तो एक ही बार आएगा फाइव फाइव दोनों में आ रहा है देखो ये वाला फाइव एक ही बार आया सेवन सेवन दोनों में आ रहा है एक ही बार आएगा अब ये फाइव और थ्री दोनों में नहीं आ रहा है ये एक्स्ट्रा नंबर है तो ये भी एंड में लिखे जाते हैं तो एल्सियम निकालने का बेसिक पैटर्न क्या होता है कि दोनों के फैक्टर्स निकालने के बाद जो भी कॉमन नंबर होता है वो एक बार लिखा जाता है और जो भी कॉमन नंबर नहीं होता वो भी एक बार लिखा जाता है देखो जैसे ये यहाँ पे ये चार नंबर कॉमन है आपस में ये फाइव फाइव दोनों में आ रहा है ये सेवन सेवन दोनों में आ रहा है तो ये एक ही बार लिखा जाएगा और जो अनकॉमन नंबर है दोनों में नहीं आ रहे

पंद्रह में दो का इजाफा करोगे सत्रह बन गया क्रॉस का क्रॉस थ्री तो पांच का पांच सात में पांच का इजाफा करोगे तो जाहिर सी बात है बारह का दो और एक तीन और एक चार और एक पांच तो क्या बन गया फाइव ट्वेंटी इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा आपका आंसर आ गया फाइव ट्वेंटी देखो एल क्या था हमारे पास एल हमारे पास था लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि हमारे पास एलसीएम की वैल्यू फाइव ट्वेंटी फाइव आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ जो एल यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल था फाइव ट्वेंटी फाइव आया इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी या तो सही होगा या ऑप्शन नंबर डी सही होगा अब हमें ये देखना है इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है इसके बारे में

बार लिख देते हैं सिंप्लीफाई करोगे आपका एलसीएम आ गया ये तो बहुत सिंपल सी चीज है आगे एग्जामिनर ने स्टेटमेंट क्या दी है कि देखो अमंग ऑल दी कॉमन डिवाइजर्स द ऑफ 175 एंड 105 दैट डी बी द स्मॉलेस्ट वन अब देखो मेरे पास तमाम डिवाइजर्स ये आ रहे हैं एग्जामिनर कह रहा है आपने क्या देखना है आपने देखना है स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइजर स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा होगा देखो स्मॉलेस्ट डिवाइजर हमारे पास दो जो कॉमन डिवाइजर आ रहे हैं 5 और 7 है इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 5 का तो आंसर 5 होगा सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये जो क्वेश्चन आते हैं,

Suppose मेरे पास एन और एम, एन और को मैं वन कह देता हूँ एम को मैं थ्री कह देता हूँ सही है ना नॉर्मल सी चीज है मैंने एम को थ्री कह दिया एन को वन कह दिया आप एम को वन कह दो एन को थ्री कह दो या कोई भी ऑर्ड नंबर आप सपोज कर लो पहला ऑप्शन क्या दे रहे हैं कि भाई एम एन तो अगर मैं एम को एन से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो बेटा सी बात है तो जाहिर सी बात है अगर एम भी ऑड नंबर है एन भी ऑड नंबर है तो ऑर्ड तो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो थ्री वन थ्री एक ऑड नंबर ही आंसर आएगा यानी कि ये तो हमेशा करेक्ट होगा सही है भाई आगे मूव कर लेते हैं आगे कह रहे हैं एम डिवाइडेड बाई एन तो भाई अगर m डिवाइडेड बाय n करता हूं तो यार देखो m क्या है कोई भी ऑड नंबर है n क्या है ऑड नंबर है तो 3 डिवाइडेड बाय 1 ये भी 3 आ रहा है नंबर सपोज कर लो कोई भी ऑड नंबर सपोज कर लो बात हुई है अब देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या है थर्ड स्टेटमेंट आ रही है mn एन प्लस का वन का होल स्क्वायर इसको भी चेक कर लेते हैं भाई m 3 के बराबर है n 1 के बराबर है फिर प्लस के 1 का होल स्क्वायर तो क्या बन जाएगा बेटा 3 प्लस वन फोर का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 तो ये तो इवन नंबर आ गया इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कौन सी दो स्टेटमेंट है 1 एंड 2 तो 1 एंड 2 ओनली आर दी करेक्ट ऑप्शन तो इसका मतलब

है डिजिट नंबर है तो एग्जामिनर कहता है इफ एन इंटीजर ग्रेटर देन हंड्रेड हैज यानी कि हंड्रेड डिजिट से बड़ा है हैज इट्स यूनिट डिजिट ट्वाइस देन ऑफ इट्स

डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो दो गुना है किसका ट्वाइस है

ये हो जाएगा हमारे पास एक्स बेसिकली इक्वल टू ट्वेंटी फाइव परसेंट का मतलब क्या होता है 20 को remove करना, तो यानी सिंपल तरीके से वाई के बराबर तो 25 by 100 क्या होता है भाई

सम है तेरह के बराबर तो भाई अब आपने करना क्या है तमाम वैल्यूज को प्लॉट कर दो तो देखो एक्स की वैल्यू हमें टू वाई के बराबर इक्वल टू के, वैल्यू के, के बाद थर्टीन का थर्टीन तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम लोग बेटा एलसीएम ले लेंगे एलसीएम कैसे लिया जाएगा देखो इस वाई के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन है 2Y के नीचे कुछ भी नहीं है, तो वन है सिंपल तरीके से एलसीएम लेंगे ताकि सबके नीचे क्या आ जाए फोर आ जाए ना तो क्या बन गया वाई का वाई प्लस का 4y आगे क्या हो जाएगा 4208y सही है ना सबके नीचे y लेकर आ गए इक्वल टू के बाद 13 का 13 नेगेटिव दे 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा यहाँ पे y प्लस 4y प्लस 8y तो 8 प्लस 8 ये आपके बाद बन गया आ, कितना बन गया 12 बन गया 12 में 4 3

z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपल टू वाई के बराबर टू का टू एड इज वाई की वैल्यू फोर के बराबर है तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर टूर एट के बराबर तो ये आपसे फोर तो के, के बराबर, और z की 8 के बराबर तो आंसर क्या हो गया एट हमारे इंटीजर की वैल्यू है क्वेश्चन इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा भाई देखो सॉल्व करने की लॉजिक क्या भाई आसान सी लॉजिक है क्या लॉजिक है कि देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर पढ़ा एग्जामिनर कह रहे ग्रेटर डिजिट ट्वेंट डिजिट आपको क्वेश्चन पढ़ते

दो का दो एक का एक तो क्या आंसर आ गया आपका आंसर आ गया वन टू ये आपका क्वेश्चन का फाइनल 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 आंसर आ गया में कहता है कि भाई आपके पास एक मैट्रिक्स आ रहा है मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपको एग्जामिनर कह देखो दुनिया में सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं कि बेटा अगर आप अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और ट्रांसपोज लेने के ऊपर आपको वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए ट्रांसपोज कहते हैं रॉस को कॉलम या कॉलम को रोज में चेंज करने के

मैं कॉलम के तौर पे लिख दूंगा तो कॉलम के तौर पे लिखूंगा तो क्या बन गया जीरो टू थ्री और जो दूसरी रो आ रही है इसको एज कॉलम के तौर पे लिख दीजिए नेगेटिव टू जीरो और सिक्स और जो तीसरी रो आ रही है इसको भी कॉलम के तौर पे लिख दो तो क्या बन जाएगा नेगेटिव थ्री नेगेटिव सिक्स और जीरो अब देखो क्या ये आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर वैल्यू आ रही है नहीं आ रही ये ओरिजिनल मैट्रिक्स तो बन ही नहीं रहा हाँ अगर मैं इस मैट्रिक्स से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये नेगेटिव और ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगा यानी कि देखो अभी ये ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं बन रहा यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आंसर नहीं है तो आंसर क्या बचा सीयूज का मैट्रिक्स बचा वही आंसर होगा मैं वेरीफाई

और माइनस का टू वाई प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो है ना अब मैं कॉमन अगर ले लू यहां से तो कॉमन लेने पे क्या आंसर आ जाएगा कॉमन लेने पे आ जाएगा वाई uh, कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा वाई माइनस का थ्री यहाँ से नेगेटिव का टू अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा वाई माइनस का थ्री इक्वल टू के बाद जीरो तो मेरे पास एक फैक्टर आ गया वाई माइनस का थ्री और एक और फैक्टर क्या आ गया एक और फैक्टर आ गया वाई माइनस का टू इक्वल टू जीरो तो हमारे दो आंसर आ जाएंगे एक आ जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस का थ्री और एक आ जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस का टू मगर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है अभी एग्जामिनर क्या कह रहा है नंबर ऑफ रियल रूट्स हमें रियल रूट्स फाइंड करने है ना नॉर्मल सी बात है तो बेटा देखो y किसके बराबर था ओरिजिनली y हमने मॉडुलस x के बराबर था हम जो मॉडुलस x था उसे हमने सपोज किया था y के ऊपर तो अगर मैं इसको चेंज करवाऊँ तो चेंज करवाने पे क्या बन जाएगा भाई जाहिर सी बात है जहां-जहां y -जहां आ रहा है वहां मॉडुलस x लिख दीजिए तो मॉडुलस x इसके बराबर आ गया 3 के बराबर और एक और मॉडुलस x का आंसर क्या आ गया 2 के बराबर मैंने ये बात अभी आपको पढ़ाई कभी भी मॉडुलस को अगर मैं ओपन करूंगा ना तो जाहिर सी बात है मेरे पास क्या आंसर आएगा प्लस माइनस के अंदर यानी कि x की एक वैल्यू आएगी प्लस माइनस का थ्री और एक्स की एक वैल्यू आएगी प्लस माइनस का टू तो यानी कितने रियल रूट्स का मतलब क्या होता है क्या होगा? होगा? आ गया. वैसे किसी भी के का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसका डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मुला अप्लाई करो यानी कि फॉर एक्साम्पल अगर मैं इक्वेशन के ऊपर बी माइनस का फोर इसी करता हूं और मेरा आंसर ग्रेटर देन जीरो आता है तो यानी कि मेरे जो रूट्स होंगे वो हमेशा कैसे होंगे रियल होंगे तो आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि भाई देखो हमारे पास सिंपल तरीके

नेगेटिव वन इधर का इधर एडिट इज आएगा नेगेटिव का साइन बी की वैल्यू क्या है देखो बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है सिंपल तरीके से नेगेटिव का साइन इंटू टू ए नेगेटिव का साइन इंटू टू ए प्लस का थ्री सा है ना और नीचे देखो ए की वैल्यू क्या है ए बराबर है ए प्लस वन के सा है ना अब इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करवाता हूँ नेगेटिव से नेगेटिव कट गया ये ए प्लस वन पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट शुड बिकम नेगेटिव ए नेगेटिव तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे आ रहा है टू का थ्री एक जैसी वैल्यूज को अगर मैं एक साइड पर शिफ्ट

इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए सी का मतलब कांस्टेंट ए का मतलब आपके पास फर्स्ट टर्म का यानी कि स्क्वायर बेस्ड टर्म का कोफिशिएंट तो यहां पे सिंपल ए प्लस वन आ गया इसको आप पहले सिंपलीफाई करवा दो आपको ए की वैल्यू आप निकाल चुके हो आप तो ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू है नेगेटिव का फोर बाय आगे क्या आ रहा है आगे आ रहा है प्लस का फोर एज इट इज नीचे डिविजन में भी यही काम कर देंगे ए के अंदर ए की वैल्यू अब डाल देंगे प्लस का वन तो क्या बन गया

इक्वेशन फॉर्म करनी है मुझे रूट्स गिवन है मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखो जो रूट्स आपको गिवन है उनका एक दफा सिंपली सम कर दीजिए सही है ना सम कर दोगे तो क्या बन जाएगा नीचे आपके पास एलसीएम लोगे अल्फा बीटा आ गया इधर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर सिंपल इज दैट अब देखो ऊपर क्या आ गया ऊपर आपके पास आ गया सिंपल अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और नीचे क्या आ गया नीचे हमारे पास है अल्फा और बीटा तो भाई ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग बेटा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास बराबर होता है सिंपल तरीके से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है अल्फा बीटा तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवा दो देखो सिंपल तरीके से आपने वैल्यूज को प्लॉट करवा देना है भाई ये हमने कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करा है देखो हमने कोई मुश्किल काम नहीं करा बहुत सिंपल सा काम है देखो आपको क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है जो इक्वेशन गिवन है उससे आपने सिंपल सम ऑफ फ्रूट और सिंपल प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकाल लिया अब आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स ये होंगे जो उसने दिए हुए हैं जो उसने रूट्स आपको दिए हुए हैं

तो क्या बन जाएगा थ्री का स्क्वायर क्या होता है भाई नाइन डिवाइडेड बाई फोर माइनस का देखो इस टू से टू कट गया, गया, negative, negative क्या हो गया का फाइव आ गया टू है सही सबसे नीचे आ देखो, मैस का क्या कहते है क्या कहता है कभी भी मैथ्स में एक से ज्यादा अगर डिवाइड हो रही है सबसे नीचे रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है सिंपल इज डेट तो अब अगर आप इसको बैठ के सिंप्लीफाई करवाओ तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो इस फाइव के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन है तो एल्लियम ले लो तो भाई सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर अगर मैं एल्सियम लूंगा तो वट इट शुड बिकम इट शुड बिकम हमारे पास सिंपल तरीके से फोर नाइन फोर का नाइन फाइव फोर क्या ट्वेंटी का ट्वेंटी और इनटू नेगेटिव का टू डिवाइडेड बाई फाइव टू वन टू एंड टू टूर फोर टेन कोई मुश्किल चीज नहीं करी बाई यहाँ सिंपल तरीके से देखो आपको जो रूट आपने उनको एड करवा दिया तो बन जाता सम ऑफ रूट द रिक्वायर्ड इक्वेशन सहना सिंपल तरीके से फॉर्मुला ओपन ओपन करवाने का को प्लॉट करा सिंपल वे में आपकी वैल्यू आ गई इसी तरीके से अब हम लोग क्या निकालेंगे अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द

ऑफ रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू जीरो अब आपने तमाम वैल्यूज को प्लॉट कर देना है भाई देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है कि भाई जो भी आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट है उनका सम सा है ना तो देखो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट का सम किसके बराबर आया था यह आया था सिंपल तरीके से नेगेटिव का ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई टेन के ऐसा है ना इन टू एक्स का एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन का सम क्या आया था यह आया था सिंपल तरीके से देखो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट थी उसके रिक्वायर्ड इक्वेशन का सम क्या आया था भाई यह आया था ना किसके बराबर आया था वन के तो सिंपल यहाँ

देखो अगर आपको यहाँ तक पहुंच गए आप, आपको दिख रहा है कि भाई इसके नीचे टहन आ रहे तो बाकी के सर भी टहन लाना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है करेक्ट ऑप्शन ए ही खाली है वरना इसको सॉल्व करने की वैसे एक लॉजिक आपके पास और बन सकती है और वो लॉजिक क्या है कि यार अगर आपने सबसे पहले सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू निकाल ली है तो आप क्या करो आप बारी बारी अपनी इक्वेशन को देखो और इक्वेशन के अंदर चेक कर लो कि भाई आपके पास सम ऑफ द दूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन किसके अंदर आ रही है यही सेम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑप्शन नंबर डी देखता हूं तो भाई ऑप्शन नंबर डी के अंदर क्या बन जाएगा नेगेटिव का ट्वेंटी नाइन डिवाइड बाई टेन ही आएगा मेरे

करवा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होती है ये अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई होगी अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई होगी तो साइन एक्स का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स जाके जब साइन इंटू कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सिंपल साइन एक्स इंटू कॉस

सकता है यार कोई मसले की बात नहीं है ऑप्शन नंबर वन कैन भी करेक्ट प्राइम नंबर में भी इवन मे का मतलब क्या होता है हो सकता है तो क्या प्राइम नंबर इवन नहीं होता बिल्कुल हो सकता है भाई टू एक इवन नंबर ही है टू एक इवन नंबर है सर है ना नॉर्मल चीज है अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर में भी इवन अब ये जुमला जो आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है एग्जामिनर क्या कहता है कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर में भी इवन तो ये भी करेक्ट हो सकता है कि भाई सपोज अगर मैं दो प्राइम नंबर्स को लेता हूं आपस में मल्टीप्लाई तो आंसर क्या इवन तो नंबर है तो पॉसिबल है फॉर एग्जांपल मैं करता हूं सिंपल तरीके से किसको मैं टू को, टू एक प्राइम नंबर है फाइव एक प्राइम नंबर है मल्टीप्लाई करता हूँ आंसर आता है टेन तो टेन

अंदर आपको सबसे पहले तो बेसिक एक डिवीजन का जब कभी रिमाइंडर आप लेते हो ना तो आपका थ्योरम एक बनता है फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज बात को समझाने के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि यार मैं नाइन करवा रहा हूँ डिवाइड टू के ऊपर तो अब देखो जब टू डिवाइडेड बाय नाइन करवाते हैं तो मुझे पता है टू के टेबल में नाइन नहीं आएगा उससे छोटा नंबर एट होगा तो यहाँ पे क्या बच गया वन बच गया अब जरा बात समझिएगा देखो ये जो वन आपके पास नीचे बचा है ना इसको मैथ्स में क्या कहा जाता है वो जो के आपने को करवाने को नंबर इस्तेमाल किया जो तो टू फोर जर था तो फोर मेरा क्या बन गया क्वेश्चन नाइन बेसिकली वो टर्म थी जो कि मैं डिवाइड करवा रहा था तो ये नाइन क्या कहलाएगा नाइन कहलाएगा डिवाइडेंड क्या कहलाएगा नाइन डिवाइडेंड और ये जो टू था जो कि बेसिकली डिवाइड कर रहा था इसको मैथ्स में कहा जाता है डिवाइजर क्या कहा जाता है डिवाइजर ये सारी बातें समझना बड़ी जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए तो आपको पता ही चलेगा रिमाइंडर क्या है डिवाइड किससे किया क्या किया तो देखो बेसिक हमारे पास दुनिया के अंदर

अराउंड ए एक्स प्लस का बी होगा सही है ना अच्छा अब ये कैसे आया सब बताता हूं मैं अब देखो सबसे पहले बात समझो आपका अगर मैं इसी थ्योरम को यूटिलाइज करूं तो बेटा मेरा क्या फॉर्मूला बनना चाहिए मेरे पास क्या वैल्यू बननी चाहिए देखो हमारे पास जब मैंने पोलिनोम को एक्स माइनस पे डिवाइड करवाया तो रिमाइंडर वन आया जब एक्स पे डिवाइड करवाया तो नेगेटिव वन आया यानी कि मेरे पोलिनोम के ये दोनों के दोनों क्या है डिवाइजर्स है मेरे पोलिनोम के दो क्या आ रहे हैं डिवाइजर्स आ रहे हैं एक्स स्क्वायर को अगर आप ब्रेक करोगे तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स

से एक्स की वैल्यू वन आई क्वेश्चन में डाली तो बच्चा मेरे पास यहाँ पे पी क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा वन आ जाएगा क्योंकि तो देखो मेरा रिमाइंडर क्या है वन के बराबर है ना तो सिंपल वन इज इक्वल टू ए प्लस बी मेरी पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई सिमिलरली मैं अपनी दूसरी इक्वेशन को फॉर्म करूंगा दूसरी इक्वेशन कैसे फॉर्म करूंगा अगेन अब देखो दूसरा डिवाइजर क्या आ रहा है बहुत ही सिंपल चीज है भाई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है दूसरा डिवाइजर की आपके पास एक्स प्लस वन के बराबर है तो इसको भी मैं जीरो के ऊपर इक्वेट करूंगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव वन इसको उठा के अपनी पूरी इक्वेशन में डाल देंगे तो भाई ये जो पी क्यू मेरे रिमाइंडर बन जाएगा कौन सा बन जाएगा ये मेरे पास वो रिमाइंडर बनेगा जब मेरा डिवाइजर अब एक्स प्लस वन आ रहा है क्योंकि एक्सप्ल वन को मैंने फैक्टर ट्रीट करें तो एक्स की वैल्यू क्या आ नेगेटिव वन अब पूरी इक्वेशन में जहां जहां एक्स सारा नेगेटिव वन डाल दी तो क्या बन गया नेगेटिव वन नेगेटिव वन आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव वन प्लस का वन और इंटू क्वेश्चन का क्वेश्चन प्लस के साइन के बाद ए का ए और एक्स के अंदर नेगेटिव वन प्लस का बी

सी बात है रिमाइंडर क्या रिमेनिंग वैल्यू नेगेटिव बचना है तो नेगेटिव ने जगह के ऊपर सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ही क्वेश्चन आगे दोनों को सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइनली ए और बी की वैल्यूज मिल मिलेगी और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा सॉल्व हो जाएगा द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है लेट एक्स बी द रियल नंबर सच दैट साइन इंटू साइन एक्स इक्वल टू हाफ कहता है अगर एक्स की वैल्यू थ्री से छोटी है मगर टू से बड़ी है कहते हैं सोल्व करके बताओ अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं आगे कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैल्यूस साइन एक्स कोई मसले की बात नहीं बच्चों वाला क्वेश्चन है देखो कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन की लॉजिक को समझा करो आपको क्वेश्चन किस तरह का गवेन है आपको इस क्वेश्चन के अंदर देखो साइन इंटू साइन एक्स गेवे ने आपको क्या गेवेन है साइन इंटू साइन एक्स तो भाई अगर मुझे इस क्वेश्चन में साइन

यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपल तरीके से अंडर रूट थ्री के बराबर की बताओ। देखो, बहुत है आपको, तरीके से काम कर करना है ना, आपको अगर यहाँ पे सिंपल तरीके से देखो दो तरीकों से अभी भी सॉल्व कर सकते हो आपने साइन एक्स का आंसर निकाल लिया तो इस साइन एक्स के आंसर को उठा के यहाँ पे डाल दो कल तो. कैसे करेंगे बहुत सिंपल सी बात है देखो क्वेश्चन में बताओ एग्जामिनर कह रहे फाइंड करके बताओ कॉन्स

कर्ली ब्राउन हेयर बेस अपन देखो बेस की वैल्यू क्या है बेस की वैल्यू है, है? है तो बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू के बराबर यानी कि क्वेश्चन विद इन सेकंड के अंदर हमारा क्या हो जाना है सोल्व हो जाना है सिंपल वे में क्वेश्चन बेटा क्या हो गया आपका सोल्व हो गया मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है भाई क्या प्रॉब्लम की बात है बच्चे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या आ रहा होगा हमारा करेक्ट आंसर आ रहा होगा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है सपोज डेट अ वर्ड

तो क्या बन जाएगा बेटा ये हो जाएगा सिंपल एट माइनस का फाइव फैक्टोरियल ऑब्वियसली सी बात है बेटा फैक्टोरियल आ जाएगा इसको फर्दर सिंपलीफाई कैसे करोगे बहुत ही आसान है कि भाई सिंपल इसको एक्सपेंड करवाओगे ओपन करवाओगे तो भाई कहां तक ओपन करेंगे फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे तो क्या बन गया ये बन गया एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर और इंटू तो थ्री और थ्री फैक्टोरियल भी ले जाकर रोक देंगे तो नीचे वाला थ्री फैक्टोरियल क्या हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा अब ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवाओगे आप कैसे मल्टीप्लाई करवाओगे बहुत सिंपल है कि भाई या तो इसका वैसे एक और तरीका ज्यादा आसान तरीका आपको 8 है कि यार एट फैक्टोरियल की डायरेक्टली या तो वैल्यू आती हो वो ज्यादा आसान मेथड है कि भाई एट फैक्टोरियल किसके बराबर होता है हम सबको मालूम है कि एट फैक्टोरियल बराबर होता है फोर जीरो तो आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करवाट फैक्टोरियल में एट की फैक्टोरियल की वैल्यू डाल दीजिए एट फैक्टोरियल बराबर होता है हमारे पास किसके फोर जीरो थ्री टू जीरो के और थ्री फैक्टोरियल बराबर होता है सिक्स के सिंप्लीफाई करवाओ डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ज्यादा आसान मेथड है यहाँ पे ये यह वाली लॉजिक अगर अप्लाई करोगे लंबा काम हो जाएगा तो आपको बेसिक फैक्टोरियल ऑब्वियसली याद होंगे कि देखो सेवन फैक्टोरियल क्या होता है

डबल एट और दो जीरो आ जाएंगे टेन है फैक्टोरियल होता आपको टेन होनी चाहिए। अगर आप इसके ऊपर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर तो कर सकते हो, तो में एट नीचे रखो सिंप्लीफाई करवा दो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास टू कैंसिलेशन करवाओ टू टू जार फोर जीरो का जीरो टू वन टू ट्वेल्व जीरो 0, 0, 0, का जीरो थ्री का टेबल पढ़ लीजिए तो भैया क्या हो जाएगा थ्री के टेबल में ट्वेंटी थ्री सिक्स क्या होता है थ्री सिक्स हमारे पास होता है अठारह तो भाई देखो थ्री सिक्स एटीन हो गया तो आपके पास कितना कैरी रही गया? आपका कैरी रही है तो इक्कीस बन गया थ्री और जीरो का जीरो तो आंसर क्या आ जाएगा सिक्स सेवन टू जीरो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है देखने में मुश्किल लग रहा है बिलीव बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्जाम आपसे सिंपल सी बात क रहे देखो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं खाली क्वेश्चन की लॉजिक को पढ़ा करो आप इजिली क्वेश्चन को एस कर सकते हो खाली

आपको क्या करना है सिलेक्शन करनी है तो भाई याद रखिएगा कभी भी अगर आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना हो ना उसके लिए बेस्ट तरीके का क्या होता है

कहता है कि सॉरी पांच रेड बॉल्स हैं और चार के करीब ब्लैक बॉल्स हैं। कहता है अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दी जार एंड देन रिप्लेस कहता है बॉल को रिप्लेस कर दिया गया है

इस क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट अलाउ है फॉर एग्जाम्पल अगर रिप्लेसमेंट अलाउ ना होती उस सूरत में क्या होता फाइव डिवाइडेड बाई नाइन और चूंकि अब मैं एक बॉल निकाल चुका हूं तो रेड एक कम हो जाती और टोटल भी अब नाइन नहीं रहती बल्कि एट होती अगर रिप्लेसमेंट अलाउ

क्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ना बड़े बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ थ्री पहले तो समझो पोलिनोम आपको गिवन है उसका क्या निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है तीन पोलिनोम एग्जामिनर ने दिए हुए ये मुश्किल बात है आसान चीज है वैसे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है बहुत सिंपल चीज है मुश्किल बात नहीं है मगर आपको यहाँ पे इक्वेशन सिंपल नहीं गेबेन आपको यहाँ पे तो फैक्टर्स पहले तो फैक्टर्स निकालना सीखो पहले निकाल, लो, निकाल, लो ना? तो HCF निकाल आएगा अच्छा अब देखो जो पहली इक्वेशन आपको है ना, वो क्या है? पहला जो आपको सेकंड डिग्री पॉलिनोम एक्स फाइव और आगे आ रहा है तो भाई देखो इक्वेशन आ रही है तो इसके फैक्टर्स कैसे बनाऊंगा सिंपल तरीके से मेरे टर्म ब्रेकिंग मेथड पे चले जाते हैं ट्वेल्व को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे 60 बनेगा अब सिक्सटी को ऐसे दो तो नंबर में ब्रेक करो कि बीच की प्लस माइनस बीच की वैल्यू बननी चाहिए तो तो क्या क्या हो सकते हैं 10 और ऑब्वियसली सी बात है है यार यानी कि मेरे पास प्लस 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 का 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 आगे मैं कर देता हूं, 6xy तो भाई पहली पहली दो टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आ रही थ्री तो आएगा इनफैक्ट टू कॉमन आएगा हमारे पास सही है ना बच्चा तो कॉमन आ जाएगा लिया तो अब स्क्वायर में से प्लस का साइन टू फाइव टेन और वाई बचेगा और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा यहाँ से प्लस का ही कॉमन आएगा बल्कि वाई कॉमन आ जाएगा यहाँ से दोनों में वाई आ रहा है ना तो क्या बचेगा यहाँ पे अगेन मेरे पास यहाँ से आ जाएगा सिंपल तरीके से आ गया तो से से तो हमारे पास टू एक्स प्लस का वाई तो भाई पहले पॉलिनोमियल में से मेरे पास ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं सही है ना अब देखो भाई दूसरा क्या है पॉलिनोमियल है दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास आ रहा है थर्टी एक्स स्क्वायर माइनस का इलेवन एक्स वाई और आगे हमारे पास क्या है फिर नेगेटिव का थर्टी वाई स्क्वायर अगेन यहाँ से मिडिल ब्रेक करनी पड़ेगी थ्री थ्री इधर क्या होता है 90 यानी कि 90 गेवे ना ये तो 30 30 क्या होगा 900 हो जाएगा तो आ रहे ना ये थर्टी एक्स स्क्वायर माइनस का इलेवन एक्स माइनस थर्टी वाई स्क्वायर तो इसको ब्रेक करने के अगेन मिडिल ब्रेकिंग मेथड यूटिलाइज करूंगा फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया थ्री थ्री नाइन नाइन जीरो आ जाएगा नाइन डबल थ्री नौ सौ बन रही है तो भाई नौ के फैक्टर्स क्या होंगे कि बीच में नेगेटिव का बनना चाहिए आई गेस छत्तीस और पच्चीस चेक कर लेते

दो फैक्टर छत्तीस माइनस का पच्चीस क्या होगा ग्यारह बनेगाप्लाई करूंगा नौ सी बन रहा होगा सही है, कोई मसले की बात नहीं है तो यानी कि मेरे दो पर्टिकुलरली uh, मिल्स एक आ गईटिव का थर्टी और एक और आ गई पॉजिटिव uh, का ट्वेंटी और फर्स्टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो जो भी आंसर है उस आंसर को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि प्लस या माइनस करने में बीच की वैल्यू बने मल्टीप्लाई करने में वापस से वो आंसर आंसर बने सह है ना तो भाई सिंपलीफाई कर दिया अब इसको कर दो कॉमन ले लो यहाँ से कॉमन लूंगा तो क्या आएगा दो में से इन दो में से कॉमन इन दो में से कॉमन आएगा फाइव एक्स तो ब्रैकेट में क्या बचेगा फाइव 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 सिक्स आर थर्टी एक्स बच गया और माइनस का फाइव फाइव जर थर्टी ट्वेंटी नहीं फाइव के टेबल में थर्टी तो आता ही नहीं यार फिर क्या कॉमन लेंगे सिक्स कॉमन लेंगे ना सॉरी सिक्स कॉमन लिया जाएगा तो सॉरी हम सिक्स कॉमन लेंगे ना यार Uh, तो 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 अगर मैं लेता को हैं तो six five 30 और है, तो ये आ गया का okay? एक चीज़ तो बन गई दूसरे पे देखो मेरे पास क्या बन सकता है दूसरे नंबर के ऊपर मेरे पास यहाँ से क्या चीज कॉमन आएगी अगर मैं यहां से कॉमन लेने के ऊपर जाऊं तो यहां से फाइव कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से पॉजिटिव का फाइव फाइव कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा भैया ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से फाइव एक्स और फाइव सिक्स जब होता है तो वाई का आ गया तो मेरे पास दो फैक्टर्स यहाँ से क्या क्या आ गए ये आ गए प्लस का फाइव फाइव एक फैक्टर तो ये आ गया और दूसरा फैक्टर क्या आ गया दूसरा फैक्टर आ गया फाइव एक्स माइनस का सिक्स फाइव वैसे तीसरे पॉलिनोमियल पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको साफ तौर पर दिख रही है कि दोनों पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें से ये फैक्टर दोनों में कॉमन है तो ये इसका आंसर हो सकता है बट चलो चेक कर लेते हैं तीसरे वाले के ऊपर भी मगर चेक कर लेना जरूरी है तो चेक कर लेंगे मेरा बेटा को मसले की बात नहीं है तीसरा पॉलिनोमियल क्या आ रहा है तीसरा वैसे आसान से ही आ रहा है ये आ रहा है सिक्स माइनस का एक्स वाई आगे एग्जामिनर कहता है मुझसे कि भाई आगे पर्टिकुलरली तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर आगे कह रहा है कि आगे तुम्हारे पास है नेगेटिव का फाइव फाइव स्क्वायर तो बेटा इसके अंदर से अगर मैं कॉमन लूंगा तो कॉमन कैसे निकाला जाएगा अगेन ब्रेक करवाएंगे थर्टी थर्टी को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करने के बीच में नेगेटिव वन बने तो कैसे आ सकता है यह सिक्स फाइव या थर्टी होता है ना नेगेटिव सिक्स प्लस का फाइव क्या होगा फाइव माइनस सिक्स क्या होगा नेगेटिव बनेगा यार सिंपल सी बात है भाई क्या मसले की बात है सिक्स एक्स स्क्वायर तो मैं यहाँ पे कहता हूँ नेगेटिव का सिक्स एक्स वाई प्लस का फाइव एक्स वाई नेगेटिव का फाइव फाइव स्क्वायर इक्वल टू जीरो से देखो क्या कॉमन आ रहा है आपका कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस का वाई यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा पॉजिटिव का फाइव फाइव कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ये आएगा मेरे पास सिंपल तरीके से एक्स माइनस का वाई बच रहा होगा तो मेरे यहाँ से भी फैक्टर्स क्या आ गए ये आ गए सिक्स एक्स प्लस का फाइव फाइ और दूसरे नंबर पे क्या आ गया दूसरे नंबर पे फैक्टर जो मेरा कॉमन आ रहा होगा ना ये आ रहा होगा x माइनस का y तो अगर आप गौर से देखो तो मेरे पास यहां पे कितने फैक्टर्स बन रहे हैं कितने फैक्टर्स टोटल आ रहे हैं का वाई। ये सारे मेरे फैक्टर्स आ गए मगर इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है देखो कॉमन फैक्टर इन तीनों में सिर्फ एक ही है कॉमन फैक्टर इन तीनों में से एक ही है सही ना यही तीनों में कॉमन आ रहा है तो यही हाई एस्ट कॉमन फैक्टर होगा क्योंकि एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है अगर एक से ज्यादा आ रहे हो तो फिर हम चेक करते कौन सा कॉमन फैक्टर दोनों में से छोटा है कौन सा बड़ा है तो फिर हाईएस्ट वाला लिया जाता है चूंकि एक ही आ रहा है तो करेक्ट आंसर क्या होगा सिक्स

B, C, D. अगर आपको इस का, तो का तरीके कार क्या होता है टू बाई टू के अंदर कि आपके जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं ना इनकी जगह को आप चेंज कर देते हो इनकी जगह को आप चेंज कर देते हो और जो नॉन डायगनल होते हैं उनको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देते हो यह होता है आपके पास एड का टू बाई टू का एड ज्वाइंट तो अब देखो इसका एड ज्वाइंट मैं कैसे निकालूंगा सिंपल वे में आपके लिए क्या करना है ये जो डायगनल एलिमेंट्स आ रहे हैं इनकी जगह को चेंज कर दिया और नॉन डायगनल को नेगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर क्या होगा नेगेटिव 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 तो चेक करो भाई कौन सा आंसर आ रहा है सर कोई भी नहीं आ रहा अरे कोई भी नहीं आ रहा तो उसका मतलब क्या है नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज होगा नॉर्मल सी बात है मेरा प्यारा बेटा फिर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा नन ऑफ दीज होगा क्वेश्चन क्या हो गया बच्चा सॉल्व हो गया क्या मसले की बात है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे हमारे पास आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि अगर साइन ए की वैल्यू बराबर है सिक्स डिवाइडेड बाय थर्टीन के और सेक बी की वैल्यू गिवन है आपको थर्टीन डिवाइडेड बाय सिक्स के तो बताइए ए प्लस बी किसके बराबर होगा भैया अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे आपको साइन ए की वैल्यू तो बहुत सिंपल वे में गिवेन है साइन ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है बेटा साइन ए की वैल्यू हमें गिवन है सिक्स डिवाइडेड बाई की एग्जामिनर कह रहे हैं सेक बी की वैल्यू है थर्टीन बाय सिक्स कोई मसले की बात नहीं है देखो आपको सेक बी की वैल्यू गिवन है

ये आ जाएगी सिंपल तरीके से सिक्स डिवाइडेड बाय थर्टीन के यानी कि देखो अगर आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे ना तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी सिक्स बाय थर्टीन आ जाएगी क्योंकि आपको सेक की वैल्यू गिवन है ना और सेक क्या होता है सेक होता है वन डिवाइडेड बाय कॉस सेक क्या होता है वन डिवाइडेड बाय कॉस तो अगर सेक की वैल्यू थर्टी बाय सिक्स गिविन है तो मेरे पास यानी कि वन बाय कॉस क्या हो जाएगा भैया इसको वहाँ पे डालोगे रेसिप्रोकेट करवाओगे आपके पास कॉ की वैल्यू आ जाएगी डेट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग भाई नॉर्मल सी बात है ना देखो कॉस किसके बराबर होता है वन बाय के बराबर होता है तो अगर सेक की वैल्यू वैल्यू आपको थर्टीन बाय सिक्स गिवेन है तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी वन डिवाइडेड बाय थर्टीन बाय सिक्स रेसिप्रोकेट करवाओगे तो कॉस की वैल्यू क्या आ गई सिक्स डिवाइडेड बाय थर्टीन के बराबर अब देखो यानी कि मेरे पास जो साइन की वैल्यू गिवेन है साइन की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवेन है वो भी सिक्स डिवाइडेड बाई थर्टीन गिवेन है और कॉस की वैल्यू भी सिक्स बाय आ गई यानी कि दोनों आपस में बराबर है अब ये चीज जहन में रखिएगा दुनिया में खाली एक ही वो एंगल है जिसके ऊपर साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा सिमिलर वैल्यू शो करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा अगर दुनिया में बराबर

की वैल्यू दी है तो भाई को आपने कन्वर्ट करवाया आपके आप तो तो एंगल होता है, है। यानी कि मेरे पास साइन ए भी फोर्टी फाइव है यानी कि बी की वैल्यू भी फोर्टी फाइव डिग्री है एग्जामिनर ने चूंकि ए प्लस बी मांगा तो फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव क्या हो जाएगा नाइन डिग्री के बराबर आ जाएगा एंड आपका क्वेश्चन क्या हो गया ऑब्वियसली सॉल्व हो गया क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे कहता है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ दि फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ द फर्स्ट terms of the first six terms to the sum of the terms of the first six terms is 27 by 19 the common ratio is dash ab zara logically baat ko samjho examiner ne aap se kaha kya hai beta is question ke andar examiner aap se kehta hai ki yaar tumhare sum of the first three terms to a gp to the sum of the first six terms is 27 by 19 aapko ratio given hai dekho ratio ka matlab kya hota hai divide karwana yani ki aapko gp ki pehli teen terms ka jo sum hai na uska ratio given hai towards the uh, first six terms yani ki ke examiner keh raha hai ki

ये हमारे पास हो गया आर क्यूब माइनस का वन डिवाइडेड बाई आर की पावर सिक्स माइनस का वन इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या है ट्वेंटी सेवन बाय नाइनटीन का ट्वेंटी सेवन बाई नाइनटीन अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे अगेन बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि देखो यहाँ पे आर की पावर सिक्स आ रहा है बेटा आर की पावर सिक्स को अगर मैं ब्रेक डाउन कर दू पावर टू और पावर थ्री में ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सके यानी कि देखो मैंने क्या कहा अगर मैं इस पावर्स को ब्रेक कर दू तो कैसे ब्रेक करूंगा भाई ये पावर थ्री और स्क्वायर और वन के ऊपर पावर कोई भी वन को फर्क नहीं पड़ता

अब देखो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में काम क्या करना है इसको रेसिप्रोकेट करवा दीजिए एक दफा यानी कि तमाम टर्म को उल्टा कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा ही हो जाएगा R3 19 27. ये प्लस का वन यहाँ पर है माइनस हो जाएगा तो आपके पास बेसिकली आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी नाइनटीन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सेवन माइनस का वन इनको सपरेट करवा लीजिए कैसे सपरेक्ट करवाओगे एलसीएम लो बेटा एलसीएम लोगे तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा ये हो जाएगा उन्नीस में से अगर सत्ताइस को माइनस करोगे तो क्या बनना चाहिए दस और or art.

हमने ऊपर सेवन रखा फिर आगे क्या करना करवा दूंगा इन टोटल खेले जाएंगे 1 की अंदर. तो ये जहन में हक करने के ऊपर ईद के, के मौके के ऊपर ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ कि ईद के मौके के ऊपर लेट सपोज चालीस लोग आपस में हक कर रहे हैं तो बताइए एक्चुअली कितने लोग आपस में एक दूसरे से हक कर रहे होंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे सोल्व करोगे फोर्टी इंटू में 39 और uh, 39 डिवाइड बाय 2 कर दोगे सिंपलीफाई करवाओगे आंसर आ जाएगा यानी कि इन टोटल आपस में इतने हक्स होंगे सही है ना इसी तरीके से ये आ जाएगा हैंडशेक के ऊपर के लेट्स सपोज दस बंदे हैं वो आपस में हैंडशेक कर रहे हैं तो इन टोटल बताइए कितने टोटल हैंडशेक्स हुए है। तो उसके लिए भी यही फार्मूला यूटिलाइज होता है सही ना

वो ट्रम बाइनोमियल ट्रम फाइंड करके बताओ जिसके अंदर तुम्हारे पास एक्स की पावर सिक्स आंसर के तौर पे आए अब इसको सॉल्व करने की लॉजिक क्या होती है सॉल्व करने का तरीके कार क्या होता है भाई सॉल्व करने का शॉर्टकट होता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो आर सबसे पहले आर फाइंड करोगे आर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है ये होता है एन पी माइनस का एम डिवाइडेड बाय

फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल है तो फोर फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करवा दो क्या बन जाएगा फोर इंटू थ्री इंटू टू और नीचे टू फैक्टोरियल भी टू ही होता है टू फैक्ट्रियल भी टू ही होता है तो भैया टू तो से टू आउट हो गया टू वन टू टू फोर थ्री टूर क्या बन गया सिक्स बन गया अच्छा भाई चार में से दो निकालूगा दो बचेगा फोर का स्क्वायर क्या होता है सोलह के बराबर होता है इंटू की पावर सिक्स अब देखो सिक्सटीन सिक्सर क्या होता है वैसे तो आप लोगों को याद होना चाहिए सिक्सटीन सिक्स नाइनटी सिक्स होता है बट अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो फिर सिंप्लीफाई कर लो भाई ट्वेंटी तक के अगर आपको याद है ना बेटा मैं गारंटी देता हूँ आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा ट्वेंटी तक के टेबल याद होने चाहिए नहीं आता तो फिर सिंप्लीफाई करो सिक्सटीन सिक्सर कैसे निकालोगे सिक्स सिक्स थ्री कैरी सिक्स वन जर सिक्स सेवन एट और नाइन तो नाइनटी सिक्स आ गया तो आंसर क्या आ गया नाइनटी सिक्स एक्स की पावर सिक्स तो यहां पे कहीं पे भी नहीं आ रहा इसका मतलब हमारा नन ऑफ दी दीज हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं एग्जामिनर कह रहे हैं उ मेनी पॉजिटिव ऑड नंबर कैन बॉर्म फ्रॉम दी डिजिट टू कमा थ्री कॉमा फोर कमा फाइव कॉमा सिक्स इफ नो डिजिट इज टू बी रिपीट इन गिवेन नंबर अब यह क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखो आपको आपको क्या फॉर्म करना है ऑड नंबर फॉर्म करना है मगर एग्जामर क्या कहता है एग्जामर कह रहे हैं उसने ये नहीं बताया कि भाई कितने डिजिट का ऑर्ड नंबर फाइंड करना है अब यह क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको यह नहीं बताया कि डायरेक्टली थ्री डिजिट का ऑर्ड नंबर फॉर्म करो फाइव डिजिट कोड नंबर फॉर्म करो फोर डिजिट कोड नंबर फॉर्म करो एग्जामिनर ने ऐसी कोई बात नहीं करी इसका मतलब क्या है कि हमें सारे मल्टीपल केसेस देखने पड़ेंगे कितने फॉर्म कर सकते हैं देखो टोटल नंबर्स आपको कितने गिवन है इस क्वेश्चन में आपको टोटल जो तादाद गिवन है नंबर्स की वो पांच गिवन है ओके okay? और आपको फॉर्म कैसा नंबर करना है ऑड नंबर करना है दुनिया में कोई भी नंबर ऑड कब बनता है अगर उसके आखिर में ऑड डिजिट होगा सही है ना भाई फॉर एग्जांपल लेट कंसीडर लेट अस लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर आ रहा है 2 2 2 2 2 2 2 2 आपको

अब देखो हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है हमें ये बताया कि बस बनाना, है और इन से बनाना है तो टोटल नंबर पांच है तो पहले मैं करता हूं कि अगर मुझे एक डिजिट का बनाना है तो जाहिर सी बात है एक ही डिजिट होगा अब देखो मेरे, मेरे पास टोटल ऑड नंबर कितने मुझे करंट नंबर गेविन है ना क्वेश्चन के अंदर गेवन है? है तो इनमें से ऑड नंबर कितने है? सिर्फ दो है तो अगर मुझे एक ही डिजिट का नंबर फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या होगा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसिस कितनी

यहाँ पे सबसे लास्ट डिजिट होता है यूनिट प्लेस पर होता है टेन प्लेस पर होता है हंड्रेड प्लेस पर होता है थाउजेंड प्लेस पर होता है टेन थाउजेंड प्लेस तो एंड सो ऑन तो कहने का मकसद ये कि पहले मैं लास्ट डिजिट को फिलअप कर रहा हूँ ऑड नंबर फाइंड करना है तो भाई देखो मेरे पास ऑर्ड नंबर फॉर्म तो टोटल मेरे पास नंबर पांच है मगर जाहिर सी बात है लास्ट डिजिट के अंदर हमेशा सिर्फ ऑड नंबर ही आएगा तो डिजिट कितने आएंगे कोई कितनी नंबर ऑफ चॉइसिस होंगी दो होंगी भाई इस दो का मतलब ये नहीं है इस दो का मतलब नंबर ऑफ चॉइस है तो मेरे पास कितनी नंबर ऑफ चॉइस है खाली दो ही की है अब देखो मैं यहाँ पे क्या नंबर डालू

करवानी है कि भाई हमेशा आखिर में और नंबर आएगा अब देखो जब मैं आगे बढ़ता हूं अब मैं बढ़ता हूं थ्री डिजिट का नंबर फॉर्म करने के लिए तो बेटा देखो तीन डिजिट में क्या होगा ये एक दो ये तीन अब अगेन देखो मुझे चुके ऑर्ड नंबर बनाना है तो मुझे इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करना है तो भाई मेरे पास दो ऑर्ड नंबर तो बात है, है ना? डाल दिया आपने। अब बाकी जो रिमेनिंग नंबर होंगे वही आगे यूज होंगे क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं करने आपने एग्जामिनर ने साफ तौर पर कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा डिजिट रिपीट डिजिट रिपीट करने में पाबंदी है की बात चॉइस कितनी बचेंगी चार बचेंगी और जब आगे बढ़ूंगा तो की बारे में चॉइस कितनी हो जाएंगी हो जाएंगी यानी कि नंबर ऑफ टोटल नंबर कितनी बना सकता हूं मैं तीन डिजिट नंबर से इनको सबको मल्टीप्लाई करवा दो थ्री फोर जर ट्वेल्व और ट्वेल्व टू जर ट्वेंटी फोर यानी कि ट्वेंटी फोर नंबर ऑफ वेज है मेरे पास अगर थ्री डिजिट नंबर फॉर्म करना है ऐसा नंबर जो ऑर्ड भी हो और उसको कोई नंबर रिपीट भी ना हो रहा हो गिवन नंबर्स में से अब देखो अगर मुझे फोर डिजिट नंबर फॉर्म करना है देखो चूंकि क्वेश्चन ने बताया हुआ नहीं है कितने डिजिट का नंबर आपको बनाना है तो इसलिए हम सारे डिजिट्स को ऊपर निकालेंगे और आखिर में सबकी टोटल ऐड करवा देंगे तो क्या बन जाएगा भाई फोर डिजिट के लिए क्या केस होगा 1 2 3 4 अब की बारी में देखो अगेन लास्ट नंबर ऑड होना कंपलसरी है तो भैया सिर्फ ऑड

का, दस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास चौंतीस थर्टी फोर एड अगर मैं नाइनटी के, के अंदर तीन का एड नाइनटी सिक्स में बल्कि में चार ऐड करवा लो सौ बन गया सौ में तीन का एड करवाओ एक सौ तीस यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन में एग्जामिनर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज कंसिस्ट ऑफ थ्री लेक्चर एंड सिक्स टूर इज टू बी अरेंज इन हाउ मेनी कैन अ पार्टी ऑफ टू बी चूज इन एस टू इक्लूड एटलीस्ट वन लेक्चर एंड वन स्टूडेंट अब देखो एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है किसी कॉलेज का किसी यूनिवर्सिटी का उसके बारे में कहा जाता है यार उस कॉलेज के अंदर जो है ना लेक्चरर्स की तादाद तीन है फॉर एग्जांपल और स्टूडेंट्स की तादाद है छे आपको एक स्टडी टूर चूज करना है देखो चूज

एटलीस्ट के केस के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कभी भी दुनिया के अंदर अगर एटलीस्ट लिखा हो इसका मतलब होता है हमेशा उस क्वांटिटी से ऊपर जाना है सह है सही ना मगर आपको हमेशा ये चीज जहन में रखनी है कि भाई आपको जो टोटल सिलेक्शन जितने अमाउंट की करनी है ना वो कभी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए तो अगर तीन लोग सेलेक्ट करने हैं तो ऐसा ना हो कि आप एटलीस्ट करते करते वो तीन की हिंसा पार कर दो अब देखो पहली कंडीशन में क्या कह सकता हूं कि भाई मैं एक ही लेक्चरर को लेकर जा रहा हूँ लेक्चर को मैं एक सेलेक्ट करता हूँ और स्टूडेंट में दो ले लेता हूँ तभी तो मेरे पास तीन टोटल बनेगी बने सही है ना

नहीं इसलिए आई एम नॉट यूजिंग द कैलकुलेटर जस्ट बिकॉज कैलकुलेटर अलाउ नहीं है जहन में रखिएगा तो नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स सिक्स पहले जाकर रोक देंगे तो भाई ये वाला सिक्स फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट देगा थ्री फैक्टोरियल किसके बराबर होता है सिक्स के बराबर होता है तो थ्री फैक्टोरियल सिक्स के बराबर होता है तो टू थ्री जार सिक्स एंड टू फोर जार तो थ्री वन जार थ्री एंड थ्री थ्री जार नाइन तो फोर थ्री जार ट्वेल्व एंड सेवन ट्वेल्व जार इज एटी फोर यानी कि नाइन कॉम्बिनेशन थ्री आ गया एटी के बराबर अब आप इससे जो है ना माइनस करवा दो लेक्चरर्स और तमाम स्टूडेंट्स के आने की कम्बिनेशन को यानी किताब मैं सिंपल तरीके से सबसे पहले तो वो क्या होगा तो मुझे पता है यार बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टोटल लेक्चर कितने है, तीन है तो अगर मैं तीन में से तीनों लेक्चर को ले लू तो ऑलवेज रिमेबर आपके पास एन कम्बिनेशन एन होना वन हो गया सिमिलरली अगर मैं तमाम स्टूडेंट

क्चर को लेके जाऊं और अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को लेके जाऊं तो इसको मैं 84 में से माइनस करवा दूंगा तो 84 में से अगर आप 20 को माइनस करवाओ तो ये बनेगा 64 64 में से एक और माइनस करवाओगे तो यहां से भी देखो 63 ही आएगा तो हमने यहां पे क्या काम करा ये आसान मेथड है इस मेथड पे बेसिकली हम लोगों ने क्या काम करा कि मैंने पहले टोटल सिलेक्शन निकाल ली कि यार टोटल कितने लोगों को टोटल कितने लोग गिवन है उनमें कितने तो लेके जाने हैं सही है टोटल ज्यादा आ गई इसमें से मैंने वो हिस्सा माइनस कर दिया जो बेकार है क्योंकि देखो एग्जामिनर ने कंडीशन क्या दी थी कि भाई कम से कम उन तीन में एक स्टूडेंट एक लेक्चर तो होना ही चाहिए तो मैंने

कि अंकल मैं तो एट मोस्ट आपको जो है ना पंद्रह दे सकता हूं इसका मतलब क्या है तो पंद्रह या ग्यारह रुपएगा दस रुपए या तो दे दूंगा, या दे दूंगा, या भाई एटमोस्ट के, के में हमेशा नीचे जाते हैं रिमेबर के, के में हमेशा ऊपर की जाने बढ़ते हैं ये बात जहन में रखिएगा हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कभी भी लफ्स एटलीस्ट आ जाए तो एटलीस्ट के हमेशा ऊपर जाएंगे के एटमोस्ट केस में हमेशा नीचे जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे सर्टेड इवेंट कितने चार टोटल नंबर आठ थी केस के अंदर आंसर आ गया करेक्ट भाई वन डिवाइड बाय टू क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ना फोर टू जर तो वन बाई टू क्या होता है जीरो पॉइंट फाइव के बराबर होता है क्वेश्चन क्या हो गया चुटकी बजा के सॉल्व हो गया भाई चुटकी बजा के सॉल्व हो गया अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है For what value of a will the system of equation 4x 12y minus, uh, 5 and 5x का a y 8 have no solution. अब देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि यार तुम्हारे पास जो है ना एक इक्वेशन आ रही है और ये इक्वेशन क्या है 4X 12, 5, 5 तो का ट्वेल्व फाइव माइनस के फाइव को दूसरी तरफ भेजूंगा वहां पे फाइव इक्वल टू जीरो और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है दूसरी इक्वेशन आ रही है नेगेटिव का फाइव एक्स तो यार तमाम वैल्यूज को एक ही साइड पर शेयर कर दो ना यार हमेशा एक्स वाली वैल्यू याद रखिएगा कभी भी कोई इक्वेशन के आपके पास एक्स वाली टर्म का पॉजिटिव होना कंपलसरी है नहीं तो आप उसको पॉजिटिव बनाओ तो नेगेटिव का फाइव एक्सर दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का फाइव बन गया प्लस का ए वाई दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव का ए वाई बन जाएगा और दूसरी तरफ पहले से एट मौजूद था एग्जामिनर कहते हैं दोनों इक्वेशन के अंदर क्या खास बात है कोई भी सोल्यूशन

अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है अगर आप मुझसे तैयारी करना चाहते हैं नस्ट के टेस्ट की आईबीए के टेस्ट की फास्ट के टेस्ट की तो जस्ट पिंग ऑन माय पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर और आप मेरे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं कंप्लीट कोर्स की फीस बेटा लाइव क्लासेस के साथ जिसके अंदर आईक्यू भी कवर करवाई जाती है उसके अंदर

प्लस एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की पावर क्यूब माइनस का एक्स कहता है कि भाई अगर मैं प्लस का नेगेटिव कर दूं देखो आपको ये जो वैल्यू है ना किसकी वैल्यू है ये कंप्लीट वैल्यू को है है कहता है कि अगर मैं इसी टर्म को माइनस करवाऊं किससे अब की बारी में जो एफ आ रहा है ना उसकी डोमेन दे दू नेगेटिव का एक्स तो इसका मतलब क्या है कि जहां जहां मेरे पास एक्स आ रहा है ना मैं यहाँ पे नेगेटिव का एक्स रख दूंगा तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मेरे पास एक्स की जगह पे मैं नेगेटिव का कलर चेंज कर लेता हूँ बच्चों को इशू हो जाता है तो अगर मैं नेगेटिव का एक्स रख दू तो क्या

क्या करा जहां जहां करता नेगेटिव एक्स डाल दिया कहता है अब इसको सिंप्लीफाई करवाओ दोनों को एड करवाओ तो बताओ आंसर क्या होगा तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे अरे बच्चों वाली चीज है यार क्या मुश्किल है देखो एक्स की पावर फाइव और प्लस का एक्स की पावर फोर नेगेटिव का एक्स का क्यूब नेगेटिव का एक्स स्क्वायर तो अभी एज इज रहेगा क्योंकि प्लस का साइन है तो साइन भी चेंज नहीं होंगे अब देखो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव एक्स के ऊपर पावर फाइव आ रही है अब देखो बेटा यहाँ पे कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे नेगेटिव एक्स की पावर में देखो क्या आ रहा है फाइव आ रहा है आपको दो बेसिक प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए पावर की कभी भी ऑट पावर हो इवन पावर हो इवन पावर अंदर के नेगेटिव साइन को खत्म कर देती, power, देती. है ऑट पावर नेगेटिव साइन को रहने देती है फाइव कैसा नंबर है ऑट नंबर है तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव साइन एडिस का एडिज रहेगा यानी कि मेरे पास ये क्या बन गया नेगेटिव का एक्स आ गया अब देखो नेगेटिव एक्स की पावर अगर फोर आ रही है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये कि भैया हमारे पास सिंपल तरीके से ये नेगेटिव साइन खा जाएगी क्योंकि पावर कैसी इवन है तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव का एक्स की पावर फोर यहाँ पे देखो क्या होगा हमारे पास नेगेटिव एक्स की पावर में क्यूब आ रहा है क्यूब कैसा नंबर है ऑड नंबर है तो ऑड नंबर जाहिर देखो यहां पे नेगेटिव एक्स की पावर में क्या आ रहा है क्यूब आ रहा है तो जाहिर सी बात है क्यूब क्या करेगा नेगेटिव साइन को नेगेटिव रहने देगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का एक्स क्यूब मगर बाहर भी चूंकि नेगेटिव मौजूद हो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव का एक्स क्यूब बन जाएगा यहाँ पे आगे क्या होगा देखो नेगेटिव एक्स की पावर में स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर इस नेगेटिव साइन को खत्म कर देगा तो सिंपल वे में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव का स्क्वायर सिंस बाहर साइन अपना अलग मौजूद है अब इसको अगर आप सिंपलीफाई करवाओ तो क्या बनेगा देखो नेगेटिव एक्स क्यूब से प्लस का एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया इस एक्स की फाइव से नेगेटिव की पावर फाइव कैंसिल आउट हो गया तो यहां पे क्या आ गया यहाँ पे बच गया मेरे पास x की पावर फोर प्लस x की पावर फोर और आगे देखो ये नेगेटिव माइनस का एक्स स्क्स की टू एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लू तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस का वन सही है ना और इसको फर्दर अगर मैं सिंपलीफाई मुझे दिख रहा है आंसर नहीं बन रहा तो अभी फर्दर सिंप्लीफाई करवाने पर क्या बन सकता है देखो एक्स स्क्वायर माइनस

एक्स की पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर यहाँ एक से टू को कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा एक्सक्वायर माइनस का वन फर्दर सिंपलीफाई करवा दो तो बेटा क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इट इज बेसिकली इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस का बी सही क्वेश्चन क्या हो गया मेरा सॉल्व हो गया अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब देखो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कहते हैं द एलिमेंट आफ्टर एलिमिनेटिंग थीटा बिटवीन द इक्वेशन एक्स इज इक्वल थीटा प्लस बी थीटा एंड वाई इज इक्वल थीटा का बी साइन थीटा इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर

Into cos square theta. यानि कि मैंने सिंपल तरीके से इस complete टर्म का टू ए बी आ रहा है स्क्वायरिंग बोर्ड साइड अगर मैं करूंगा तो क्या बन जाएगा देखो ये वाई स्क्का स्क्वायर अगेन ये देखो ये तुम्हारी फर्स्ट टर्म है ये तुम्हारी सेकंड टर्म है तो ए माइनस बी का होल स्वायर यहाँ जब फॉर्मला अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वाय और आगे क्या हो जाएगा

में कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा यहां पे आ जाएगा सिंपल प्लस का बी स्क्वायर कॉस थीटा और प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो मेरे प्यारे शागि फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे देखो इन दो टर्म्स में से स्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर आपके पास आएगा सिंपल तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस का थीटा ऐसा ही है भैया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस का थीटा क्या होता है वन के बराबर होता है सिमिलरली में यहाँ पे देखो इन दो टर्म्स में से अगर मैं बी स्क्र को कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ब्रैकेट में बचेगा कॉ स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा तो बेटा देखो कॉक्टर थी थीटा क्या होता है वन के बराबर होता है ये भी वन के बराबर होता है तो फाइनली यहाँ पे क्या बन गया ए स्क्यर प्लस का बी स्क्र तो मेरे पास सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई ए स्क्र प्लस के बी स्क्वाय के बराबर आ गई क्वेश्चन हमारा विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा एक और तरीका जल्दी सॉल्व करने का यह किया डायरेक्टली पहले इनको आपस में एड करवा दूँ चलो चेक कर लेते हैं मुझे आइडिया नहीं उसपे क्या है? चेक कर लेते हैं तो ये बन गया मेरे पास एक्स प्लस का वाई इक्वल टू के बाद ये बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा वैसे ही कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर आ जाएगा ए साइन थीटा प्लस का ए कॉस थीटा तो अब अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो स्क्वायर लेने पर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से फिर नेगेटिव का टू एक्सवायर बच जाएगा वहां पे जाके हाँ उस सूरत में आपका परफेक्ट आंसर तो नहीं आएगा फिर आपका ना ए स्क्वायर और बी स्क्र भी नहीं आएगा क्योंकि तो बी भी खत्म कर दिया ना हम लोगों ने तो इसका मतलब क्या है हम डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको हमें इसी मैथड को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि देखो अगर डायरेक्टली करने पर जाऊंगा ना तो ऑब्वियसली बी तो खत्म हो गया पूरा का पूरा और तमाम ऑप्शन के अंदर देखो बी तो आ रहा है इसका मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा जो मैंने आपको मेथड बताया है सिंपल तरीके से इतना मुश्किल नहीं है यार देखने में मुश्किल लग रहा है बिलीव मी प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं आप खुद से एक बार करो कि विद सेकंड में हो जाएगा अब देखो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना एक बेसिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है एग्जामिनर कहता है इन दी एडजस्ट फिगर दी वैल्यू ऑफ एक्स डैश आपको एक एंगल बताया हुआ है सेवेंटी टू है एक एंगल यहाँ पे साफ तौर तो पे देख रहा है नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल क्या होगा इस एंगल की वैल्यू निकाल लो भाई मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ एटलीस्ट चीजें फाइंड कर जो आसान चीजें होती है आपको मालूम है दुनिया के किसी भी ट्राइंगल के अंदर दुनिया के किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो मैक्सिमम एंगल होते हैं वन डिग्री होता है यानी कि तमाम एंगल का सम तो भाई अगर मुझे एक एंगल नाइनटी डिग्री के बिन है एक एंगल सेवेंटी टू के बिन है और मुझे तीसरा एंगल निकालना है तो तीसरा एंगल क्या होगा भाई तमाम एंगल से बराबर होता है तो अगर मुझे गामा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा से नाइनटी और सेवेंटी टू को माइनस करवा दूंगा तो क्या बन जाएगा भैया हमारे पास सिंपल तरीके से अगर यहां से आठ में से एक सात साथ हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास सिंपल आठ का आठ और अब आप खुद सोचो यार नौ और सात क्या होता है आठ और सात देखो पंद्रह होता है तो नौ और सात क्या होगा सोलह तो अठारह तो तो में से अगर मैं बल्कि नहीं सत्रह में से अगर मैं सोलह को माइनस करूंगा तो सारी सी बात है क्या बच सत्रह में से सोलह को माइनस करूंगा एक ही बचेगा तो अठारह डिग्री आ गया यानी कि इस एंगल की वैल्यू एटीन के बराबर अब आपको इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है तो भाई आसान कॉन्सेप्ट क्या है या तो टिकोनामेट्रिक रेशियोज के ऊपर सॉल्व कर लो यानी कि एंगुलर रेशियो मैंने आपको बता दी थर्ट से नाइनटी पे जाना से जाना अब चूंकि यहाँ पे एंगल सिमिलर नहीं आ रहा तो आसान तरीका क्या है कि बेसिक वे में सॉल्व कर लो देखो इस एंगल के सामने वाली कभी भी थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग अगर मैं इसको अपना थीटा कह रहा हूं ना क्योंकि मुझे आंसर में दिख रहा है, है और अठारह सेवेंटी भी आ रहा है अब देखो

देखो यहाँ पे क्या आ गया ऊपर है साइन में क्या बन गया है ना और यहाँ पे देखो मैं फॉर्मुला अप्लाई कर सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्र बेसिकलीवल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ क्या बन गया देखो ऊपर मेरे पास आ रहा है साइन थीटा इंटू वन प्लस का कॉस थीटा एडिटिस का एडिटिस और नीचे देखो वन माइनस का कॉस थीटा क्या होता है वन माइनस का कॉस थीटा होता है वन प्लस का कॉस थीटा इंटू वन माइनस का कॉस थीटा सही है ना

नेगेटिव लेडर देखी है नहीं लेडर का बेसिक पर्पस क्या होता है दीवार से एंगल फॉर्म करती है इफ अ लेडर इज प्लेस अगेंस्ट दी वॉल मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री एग्जांपल ने बता दिया कि वॉल के साथ है यानी नीचे जो भी दीवार थी ना दीवार के ऊपर रखी हुई और वो

से लेके आपको 0 से लेके 90 डिग्री तक के एंगल्स आवश्यक तौर पे मालूम होने चाहिए। साइन 45 के दो आंसर्स होते हैं। इसको 1 बाय रूट 2 भी कहते हैं, या फिर इसका एक और आंसर होता है सिंपल तरीके से अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, सही है ना बेटा? तो अब देखो साइन फोर्टी फाइव क्या होता है साइन फोर्टी फाइव में वन बाई रूट टू लेता हूँ इक्वल टू के बाद आ रहा है 45 के तो ये आपके पास लेडर की हाइट ये आपके पास क्या आ गई लेडर की हाइट आ गई फोर्टी फाइव रूट टू के क्योंकि ऑप्शन नंबर सी है ना, जो ऑप्शन नंबर के आ रहा है सी आ रहा है अगर आप इसको भी लेके चलते तो इसको भी ले सकते हो मसले की बात नहीं मगर इसमें आंसर नहीं आपको फिर मिलेगा तो अगर मैं इसको लेके चलूंगा तो ये क्या बन जाएगा ये हो जाएगा रूट टू बाई टू इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई एच इस सूरत में बन जाएगा 45 90, तो एच की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी नाइन डिवाइडेड बाई रूट टू याद रखिएगा डेसिमल के अंदर कभी भी डिवीजन के अंदर फ्रैक्शन के अंदर रूट की वैल्यू कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होती तो इसको फिर भी करवाना पड़ेगा फिर भी आंसर यही आएगा कैसे कि देखो से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा तो अगेन मेरे पास ही बन रहा होगा तो कहने का मकसद है क्वेश्चन क्वेश्चन बच्चों वाला मकसदों कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई सिंपल सा क्वेश्चन था कि देखो एंगल आपको गिवेन है आपको हाइट ऑफ दी वॉल गेवे है आपसे लेडर की लेंथ पूछी जा रही है तो भाई मुझे मालूम है यार थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है है ना ये मेरा थीटा है सिक्सटी डिग्री का मुझे हाइट निकालनी है जो कि है तो मैं कैसे निकालूंगा मुझे अगर लेडर की हाइट को फाइंड करना है लेडर की लेंथ को फाइंड करना है तो मुझे मालूम है थीटा के सामने वाली चीज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होती होती है है सामने वाली चीज चीज जो बच जाती है उसको बेस कहते हैं तो बेटा देखो सिंपल सिंपलीफाई कर लो सोल्व करोगे क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास आ जाएगा की वैल्यू uh, या फिर लेंथ ऑफ द की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी फोर्टी फाइव रूट टू के बराबर आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है ट्रांसपोज बताइए अरे भाई ट्रांसपोज निकालना है देखो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं

बच्चों को मजा भी आएगा टू बाई टू का दे रहा है और मुफ्ते के नंबर है भाई मुफ्ते के नंबर है और टू बाई टू दे मजाक कर रहे हैं गलत एग्जामिनर है अगर मेरे जैसा कोई एग्जामिनर होगा तो थ्री बाय थ्री फोर बाई फोर का देगा अब देखो रिटर्नमेंट कैसे लेते हैं आपके पास सिंपल सा यार मैट्रिक्स है बच्चों वाला मैट्रिक्स है वन फोर थ्री और एट देखो डिटर्मिनट लेने का मतलब क्या होता है कि हमेशा डायगनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा दी बीच में साइन लगाओगे नेगेटिव का अब नॉन को मल्टीप्लाई करवाओ तो 8 वन एट हो गया थ्री फोर हो जाएगा 12 हो जाएगा तो आठ में से बारह निकालोगे नेगेटिव का चार तुम्हारे पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व होगा भाई चुटकी बजा के सॉल्व होगा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर सोल्यूशन सेट ऑफ मॉडल टू एक्स इक्वल टू सिक्स ऑलवेज रिमेबर साइन ऑफ द मॉडल मतलब क्या होता है मॉडल

Z square, इसका एलसीयम बताओ बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा खुदा अब देखो आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है आपको एग्जामिनर ने एक टर्म दी हुई है स्क्वायर सही है ना दूसरी वैल्यू क्या है? दूसरी वैल्यू है टेन इंटू एक्स वाई जेड और तीसरी टर्म क्या कैसे निकालते हैं पहले में कर लो. पहले इसको कर लो जितनी आप पॉसिबल छोटी ब्रेक कर सकते हो देखो मेरे पास क्या पॉसिबल छोटी टर्म्स आ सकती है? क्या सकते है पहली वाली टर्म से मेरे पास फाइव आ सकता है मुझे साफ तौर पर देख रहा है दो दफा दो एक्स आ रहा है फिर वाई है फिर जेड सैड दूसरी वाली के अंदर क्या हो सकता है देखो 10xyz है तो इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं इसका एक फैक्टर होगा 2 क्योंकि 5 2 10 होता है ना तो 2 5 और फिर x फिर y फिर z तीसरी वाली में देखो क्या फैक्टर हो सकते हैं 15 आ रहा है तो 15 क्या होता है 3 5 15 होता है ना 3 5 दे 15 देखो और आगे क्या आ रहा है x का x और y दो दफा आ रहे हैं क्योंकि वाई स्क्वायर आ रहे हैं तो वाई स्क्वायर का मतलब क्या है y दो दफा है। और z कितनी दफा है z भी दो दफा आ रहा है अब देखो जरा बात समझो सबसे पहले तो हमेशा याद रखिएगा एलसीएम निकालने के लिए हम करते पहले हम करते हैं। पहले हम करते क्या है पहले हैं कॉमन मल्टीपल्स को कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक बार लिखते हैं और फिर नॉन कॉमन यूनिक एलिमेंट्स को एक दफा लिखते हैं तो अब देखो कॉमन एलिमेंट सबके अंदर फाइव आपको दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है सर तो फाइव क्या कॉमन है तो फाइव को एक बार लिख देंगे सही है ना अब देखो मेरे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है मुझे साफ तौर पर सबके अंदर एक्स आ रहा है ये 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 भी 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 आ आ आ रहा 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 है 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 तो इस एक्स को भी एक

में एक ये एक्स बच गया एक ये टू बच गया और यहाँ से तीनों कवर हो गए यहाँ से थ्री बच गया यहाँ से क्या बच गया भाई एक वाई बच गया और एक जेड बच गया यानी कि नॉन कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक्स है उसके बाद क्या है उसके बाद टू है उसके बाद क्या है उसके बाद थ्री है उसके बाद क्या है उसके बाद एक सिंपल वाई है उसके थर्टी तो uh, हो, हो जाएगा सही है ना और एक्स और एक्स एक्स और एक्स क्या बन गया एक्स स्क् वाई और वाई क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर जेड और जेड क्या बन जाएगा जेड स्क्वायर तो एलसीएम बेसिकली ऐसे लिया जाता है कि भाई कॉमन एलिमेंट इंटू नॉ कमन एलिमेंट तो भाई जो जितने कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उनको

माइनस का एक्स वाई आगे आ रहा है माइनस का टू वाई स्क्वायर तो इस इक्वेशन को अगर मैं ब्रेक करूं ना यानी कि मिडिल टर्म की वो, देखो इक्वेशन आ तीन टर्म्स टर्मी मिडिल टर्म पे ब्रेक कर सकते हो आप इसको तो इसको अगर मैं मिडिल टर्म पे ब्रेक करूं तो वन 2 टू तो negative -1 negative -1 जाहिर सी बात है ना नहीं नेगेटिव टू और प्लस का वन तभी मेरे पास बीच की वैल्यू बनेगी सही है ना भैया? तो क्या बन जाएगा सही है ना अब कॉमन ले लीजिए पहली दो टर्म्स में से एक्स कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ये बचेगा एक्स माइनस का टू लास्ट की दो टर्म में से पॉजिटिव का वन कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ये बचेगा नहीं

अगर टू और नेगेटिव वन को जो मल्टीप्लाई करवाऊंगा वापस से फैक्टर मिलना चाहिए मुझे ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मिलिटन ब्रेकिंग मेथड का आई होप ये सबको आता होगा नहीं आता मैंने फिर भी बता दिया चलो सही है ना तो ये हो जाएगा प्लस का टू माइनस का एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है टू कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस का वाई और लास्ट की दो टर्म में से नेगेटिव का वन अगर मैं कॉमन के तौर पे लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा अरे भाई ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा सर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस का वाई क्योंकि ना मैंने सॉरी नेगेटिव का वाई कॉमन ले लो यार नेगेटिव का वाई कॉमन लेंगे माई बैट दोनों में वाई कॉमन आ रहा है तो नेगेटिव का वाई अगर कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स प्लस का वाई तो मेरे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे एक आ जाएगा देखो टू एक्स माइनस का वाई और दूसरा आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस का वाई तो अब देखो गौर से आपके पास कितने मल्टीपल्स आ रहे हैं दोनों के अंदर सेम मल्टीपल्स कौन से हैं ये वाला जो मल्टीपल है दोनों के अंदर सेम है यानी कि मेरे पास एक ही एच है दोनों का हमेशा याद रखो कि भाई जो आपके मल्टीपल्स कितने आ रहे हैं एक ही मल्टीपल सेम आ रहा है तो भाई कॉमन फैक्टर एच का मतलब क्या होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर देखो एक ही फैक्टर दोनों के अंदर क्या है सेम है अब अगर एक से ज्यादा हो तो फिर हम चेक च, च, च करते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा इसमें तो आई एक रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा आंसर आपके पास सिंपल तरीके से आ जाएगा एक्स का वाई ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग के पॉलिनोमियल इक्वेशन का एचसीएफ हमेशा वन होता है और चलो वो आपके लेवल के ऊपर ही है फिलहाल अगले बस जहन में रख लो कि भैया तुम्हारे पास सिंपल तरीके से आंसर के आ गया x plus y जो कि दोनों में मल्टीपल आ रहा तो है तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है दोनों के अंदर x plus y आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई फाइंड दी एक्स इफ दी मैट्रिक्स सिंगुलर अगेन यार 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ भाई क्या मजाक है यार मतलब 2/2 का मैट्रिक्स देके बच्चों से क्या

अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है इट इज गिवन डेट एक्स प्लस टू इज फैक्टर ऑफ नाइन एक्स क्यूब माइनस का फोर एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स प्लस का नाइनटी सिक्स

प्लस प्लस का 4X, प्लस का एग्जामिनर कह रहे हैं कि एक्स प्लस टू इसका फैक्टर आ रहा है तो हम लोग किसके ऊपर जाएंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड के अलावा और कोई मेथड नहीं है ना हमारे पास क्योंकि देखो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है इस इक्वेशन एग्जामिनर इज सेइंग कि भाई एक्स प्लस टू फैक्टर है फैक्टर का मतलब उससे डिवाइड हो सकता है आगे कहता है कि यार बताइए आपके जो इस इक्वेशन में तमाम रूट कैसे होंगे रियल और डिस्टेंट होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे रियल होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे अब देखो अगर तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वालिटिकाराइनस का फोर इसी करता चुटकी हो आंसर निकाल लेता मगर यहाँ पे मसला जरा डिफरेंट है मसला डिफरेंट क्यों है क्योंकि देखो मेरे पास कॉडेड इक्वेशन नहीं आ रही मेरे पास इक्वेशन कैसी आ रही है मुश्किल इक्वेशन आ रही है क्यूबिक इक्वेशन आ रही है हम क्या करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड के ऊपर जाके पहले सिंप्लीफाई करवा देते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड पे काम क्या करना होता है देखो सिंथेटिक डिवीजन मेथड के ऊपर हम करते क्या हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको तरीके से बताऊँ ना मैंने सिंपल तरीके से लाइन बनाई यहाँ पे एक लाइन बनाई है ना जो भी आपकी इक्वेशन आ रही है ना उसको आप बारी बारी यहाँ पे लिखते हो जो भी आपकी इक्वेशन आ रही है उसको बारी बारी उसके सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को उसके कोफिशियंट्स को लिखोगे तो देखो सबसे पहला कोफिशियंट क्या एक्स क्यूब का 9 है, 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 है नाइन आएगा है, हमेशा नंबरिंग वाइज आता है एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है नेगेटिव का फोर है फिर सिंपल पावर वाले एक्स काफिशियंट क्या है पॉजिटिव का फोर है और फिर मेरे पास कॉन्टेंट क्या है कॉन्स्टेंट है नाइनटी सिक्स अब देखो आपको फैक्टर क्या गिवन था एक्स प्लस का टू तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव का टू तो यहाँ

तो बेटा देखो सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया हमारे पास जो क्यूब वाली इक्वेशन आ रही थी ना जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इसको मैंने सिंथिक डिवीजन मेथड के ऊपर एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया अब मुझे इस क्वेश्चन के ऑप्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं भाई अब बच्चों का तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे क्या देखो मेरे पास पहला फैक्टर क्या है एक्स प्लस यानी कि मेरे पास एक वैल्यू तो एक्स की नेगेटिव टू के बराबर है ये तो मुझे मालूम है एक वैल्यू एक्स की किसके बराबर है नेगेटिव टू के बराबर सह है ना तो इसका मतलब कि भाई मेरी तमाम ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहे है कि भाई ऑल दी रूट ऑफ नाइन एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर कॉम्प्लेक्स यानी कि ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया

A negative key value. आएगी आएगी इसका मतलब क्या है आयोटा आंसर बाकी के दोनों तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ना तो तमाम तमाम रूट्स मेरे रियल हैं ये भी गलत हो गया रूट्स कॉम्प्लेक्स भी नहीं है दोनों जो x की वैल्यू जाएंगे दोनों आयोटा बेस्ड होंगी कॉम्प्लेक्स डिजिट्स होंगे तो इसका मतलब क्या है? खाली एक रियल और डेस्टिंग रूट है नाइन एक्स टू माइनस फोर एक्सक्स एक्स प्लस नाइटी सिक्स का और बाकी दोनों रूट कैसे कॉम्प्लेक्स है? है देखो कैसे सोल्व कर रहे हैं दोबारा क्लियर कर देता हूं कि देखो आपके पास चूंकि एक क्यूबिक इक्वेशन आ रही है तो क्यूबिक इक्वेशन का आपको एक रूट गिवन था तो भाई एक आंसर आपको में है यानी कि एक आंसर नेगेटिव टू आ रहा है रियल रूट है

तो भाई ऑप्शन नंबर ए खाली सेटिस्फाई करता है ऑप्शन नंबर बी भी फेल हो गया क्योंकि भाई जाहिर सी बात है से दो आंसर आएंगे ना प्लस माइनस का साइन है तो जाहिर सी बात ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया ऑप्शन नंबर सी कहता था कि तमाम आंसर रियल होंगे वो भी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर डी कहता था तमाम आंसर कॉम्प्लेक्स होंगे वो भी गलत हो गया डेट द रीजन के हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से मूव करेंगे अगेन एलसीएम का क्वेश्चन अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो हमारे पास आ रहा है एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई एलसीएम बताइए किसका आपको इक्वेशन गिवन है एक इक्वेशन गए सेवन एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वेल्व एक्स प्लस का फाइव दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है ये आ रही है और तीसरी तरीके से मसले की बात थोड़ी मेरे पास एक्स इंटू एक्स का है ना दूसरा फैक्टर क्या आएगा मेरे पास इस इक्वेशन के फैक्टर्स क्या आएंगे इक्वेशन से फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे एक्स स्क् माइनस ट्वेल्व प्लस इलेवन है तो टर्म ब्रेकिंग मेथड पर अगर मैं सिंपलीफाई करता हूँ तो क्या बनेगा यार ये इलेवन इलेवन वन जो इलेवन होता है ना तो इलेवन माइनस का वन क्या होगा

अगर ऐड करेंगे तो क्या 12 बनेगा या 8 और 5 में बनेगा 7 और 5 में बनेगा 12 बनेगा बिल्कुल सही है यानी कि भाई सिंपल तरीके से 7x2 माइनस का 7x माइनस का 5x प्लस का 5 तो पहली दो टर्म्स में से कांस्टेंट क्या आ जाएगा 7x तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ये आ जाएगा x माइनस का 1 यहाँ से क्या ले लिया मैंने यहां से मैंने नेगेटिव का 5 कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस का 1 देखो तो हमारे दो फैक्टर्स आ गए एक फैक्टर आ जाएगा 7x माइनस का 5 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x माइनस का 1

इलेवन और फिर नॉन सिमिलर टर्म के है सिंपल आंसर आपके पास आ जाएगा अब मेरे ख्याल में यार इन यार्वेशन में आपको हलवा बन जाने चाहिए क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा हमारा सिंपल वे में सॉल्व हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर फोर्टी है अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करवाने हैं अब देखो आपसे एग्जामिनर कह अगर ए की वैल्यू बराबर है 1 into 2 into 3 into a, और वन वन थ्री 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 फोर वन वन थ्री थ्री कहता है सॉल्व करके बताओ ए और बी की वैल्यूज है इसका सिंप्लीफाइड में इक्वेशन क्या आएगी देखो कैसे सॉल्व करेंगे

हमारे पास थ्री वन जार थ्री एंड फोर थ्री जार इज ट्वेल्व सिंप्लीफाई करवा दिया तो क्या बन जाएगा देखो ऊपर आ गया सिक्स प्लस वन सेवन और यहाँ पे भी क्या आ गया सेवन यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे आया थ्री प्लस का थ्री ए और यहाँ पे भी क्या आ गया थ्री प्लस का थ्री ए इक्वल टू के बाद क्या है इक्वल टू के बाद सिंपल आ रहा है मेरे पास वन प्लस का थ्री बी और इधर भी क्या आ रहा है वन प्लस का थ्री बी इधर क्या है थ्री प्लस का ट्वेल्व तो थ्री में प्लस का ट्वेल्व का करोगे तो क्या बन जाएगा फिफ्टीन इधर भी क्या बन जाएगा फिफ्टीन अब आपको सोल्व करना है ए और बी के रिस्पेक्ट से देखो मेट्रिस की बेसिक मेथड

थी प्लस थ्री ए के सामने आ रहा है फिफ्टीन तो इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवा लीजिए आपका आंसर मिल जाएगा

बनाओगे तो ये आंसर आ गया सेम काम यहाँ पे करा मेरा बेटा सिंप्लीफिकेशन करोगे मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करा मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कभी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर इक्वल टू के आमने सामने तो मैट्रिक्स आ रहे हो तो जो भी उनके आमने सामने की वैल्यूज होती है ना वापस से दूसरे के बराबर होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास सिंपल तरीके से ए और बी की वैल्यूज आ गई तो आपने चेक कर लेना कौन सी ऑप्शन इसको सेटिसफाई कर रहा है ऑप्शन नंबर डी खाली सेटिसफाई करे तो वो हमारा आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे कहता है कि यार इनवर्स ऑफ ए बताइए अगेन एक टू बाई टू का मैट्रिक्स आ रहा है आपको मैट्रिक्स क्या आगे बेहने और थर्टीन आपको क्या निकालना है इसका इनवर्स निकालना है देखो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है टू बाई टू का तो बहुत ही आसान सा होता है थ्री बाय थ्री का मुश्किल होता है मगर अगेन मैंने शॉर्टकट पढ़ाई भी अपने ले, लेक्चर्स के अंदर तो बेटा ए इनवर्स का मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपल तरीके से आप ऊपर लेते हो उसका एड ऊपर हमेशा मैट्रिक्स का एडजॉइंट रखा जाता है और नीचे डिवीजन के अंदर हमेशा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रखा जाता है तो देखो सबसे पहले मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट

तो अब आपने सिंपल को आप में डिवाइड करवा दो तो थर्टीन नेगेटिव फोर नेगेटिव थ्री वन तो भैया इसको अगर मैं पॉजिटिव के वन से डिवाइड करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है कोई चेंज ही नहीं करेगा थर्टीन डिवाइड बाय वन होगा नेगेटिव का बाय वन डिवाइड बाई वन बनी रहेगा बाय रहेगा. रहेगा तो इसका मतलब आंसर क्या होगा तरह नेगेटिव चार नेगेटिव तीन और एक ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा बेटा विद इन सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है लोग परेशान होते हैं भाई अरे भाई क्या मुश्किल चीज है देखो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मेट्रिस के लेवल का आ रहा है इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं अगेन एक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है वैसे ये इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे है भाई, तुम्हारे पास क्वेश्चन है वन टू थ्री और फोर और यहाँ पे एक और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है इज एक्स वन और टू अच्छा एक चीज जहन में इक्वल टू के बाद आपके पास आ रहा है एक और मेट्रिक डेट इज वन एंड टू सॉल्व कैसे करेंगे पहले आप इन दो मैट्रिक्स को आपस आप में मल्टीप्लाई करवाओगे और फिर इक्वल टू वाली इक्वेटिंग प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफाई कर रहे हो गे. मगर एक चीज हमेशा याद रखिएगा दी टू मल्टीप्लाई पहले वाले मैट्रिक्स के जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो हमेशा बराबर होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैट्रिक्स आ रहे हैं तो देखो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं ये आपका कॉलम है ये आपका कॉलम है तो पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स टू आ रहे हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस कितनी आ रही है टू आ रही है तो इसलिए मल्टीप्लाई हो सकता है दफा एग्जामनर आपको ऐसी स्टेटमेंट दे देगा जैसे लट सपोज ये क्वेश्चन आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सही है ना बहुत दफा एग्जामिनर आपको ये स्टेटमेंट दे देगा और इसमें आपसे बोलेगा टू फोर सिक्स और सेवन एग्जामिनर बोलेगा कि भाई बताइए इनका आंसर क्या होगा मल्टीप्लाई करवाने अब अक्सर बच्चे इसको मल्टीप्लाई भी करवा रहे होंगे बैठ के हमेशा याद रखिएगा पहले मैट्रिक्स के जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कहते हैं वर्टिकल लाइन को देखो ये वर्टिकल लाइन जो आ रही है ना तो पहले मैट्रिक्स के देखो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने तीन है सही नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं पहले मैट्रिक्स के तीन आ रहे हैं है? और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस कितनी आ रही है नंबर ऑफ रॉस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये आ रही है दो के बराबर यानी कि रॉस कितनी आ रही है आपके पास दो के बराबर आ रही है तो ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर बराबर होंगी तभी मैट्रिक्स दुनिया में मल्टीप्लाई

वैल्यूज आपस में बराबर होती है तो सिंपल तरीके से बेटा देखो मेरे पास एक इक्वेशन की आ जाएगी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू वन और दूसरी इक्वेशन की आ जाएगी थ्री एक्स प्लस का फोर वाई इक्वल टू टू तो आप इसको सॉल्व कैसे करवाओगे आसान तरीका यह कि भाई पहली इक्वेशन को अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई करवा दूं इस इक्वेशन को अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस का प्लस का थ्री टू जर सिक्स वाई इक्वल टू थ्री और दोनों को सपरेक्ट करवा दो सपरेट करवाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा फोर वाई में से अगर सिक्स वाई में माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव का टू आ जाएगा और दो में से तीन निकालेंगे तो नेगेटिव का वन बचेगा तो यानी कि वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी वाई की वैल्यू आ जाएगी वन डिवाइडेड बाई टू के बराबर इस वाई की वैल्यू को उठा के आया पहली इक्वेशन में डाल दो या दूसरी इक्वेशन में डाल दो एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो भाई अगर मैं इसको उठा के अगर मैं इसको उठा के पहली इक्वेशन में डालता हूं आसान इक्वेशन में तो एक्स प्लस टू वन टू टू से टू कट गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 बराबर के बराबर, 1 के बराबर. आ जाएगी x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी वन के बराबर यानी कि मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यूज क्या आ गई देखो एक्स की वैल्यू आ गई वन और वाई की वैल्यू क्या है वन बाय वन बाय टू क्या होता है जीरो पॉइंट फाइव के बराबर तो आंसर क्या आ गया वन इंटू जीरो पॉइंट फाइव यानी कि आंसर क्या आ गया जीरो पॉइंट फाइव के बराबर आ गया क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया विद इन सेकंड्स के ऊपर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा अब देखो मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर एग्जामिनर क्या कह रहा है है इस क्वेश्चन में कहता द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x 3 मॉडुलस प्लस का x 6 कहता है इसको सॉल्व करके बताओ अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें क्या पैटर्न होगा सॉल्व करने का अगेन अ वेरी सिंपल थिंग कि भाई आपके पास इक्वेशन क्या आ रही है देखो आपको इक्वेशन गिवन है मॉडुलस के अंदर x का 3 और आगे आ रहा है प्लस का एक्स इक्वल तो बेटा प्लस का तो वहां तो भेज दूंगा मैं तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा सिंपल x का 3 इक्वल टू के बाद

बहुत सिंपल सा है इट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन तरीके से सिंपलीफाई कर लिया मेरा में कैसे हो गया, देखो, आप सबसे पहले एक, एक चीजों को लेकर तो एक दफा वैल्यू तो प्लस का लिखना है, एक दफा माइनस का लिखोगे जब माइनस के साथ तो जाहिर सी बात है ब्रैकेट ओपन करोगे जब माइनस के साथ लिखोगे तो ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो तमाम टर्म के साइन कन्वर्ट एक्स बन जाएगा सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ गया क्वेश्चन गया सॉल्व हो गया अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि भैया आंसर बताइए थ्री कंजेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, जिसके क्या आपका है? सम कह रहा है सम लो तो भाई तीन कंजेगेटिव इंटीजर सम क्या होगा देखो लेट्स सपोज मेरे पास अगर एक्स मिडिल इंटीजर आ रहा है तो जाहिर बात है एक इंटीजर क्या होगा एक्स माइनस का वन होगा फिर एक का वन होगा अगर एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कि भाई तीन इंटीजियर देने इस तरीके से एक्स उनमें से बीच का हो तो जाहिर है एक क्या होगा अगला होगा जब टिव है तो एक एक्स प्लस वन होगा और एक क्या होगा एस माइनस वन होगा अब अगर मैं इनका सम लेता हूँ सम तो लेने पे क्या बन जाएगा ये हो जाएगा सिंपल तरीके से सम लेने के ऊपर प्लस वन सेगेटिव कट गया और एस प्लस एक्स प्लस एक्स क्या बन जाएगा थ्री एक्स जाएगा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा सॉल्व हो गया विद इन सेकंड्स के ऊपर भाई कोच कंस्ट्रक्टेड अ वेन डायग्राम दैट विदिन द नंबर ऑफ एथलीट्स टू प्ले फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी इन हाउ मेनी मोर एथलीट्स कैन प्ले फुटबॉल देन हॉकी अब देखो आपको बेसिकली एक कोच साहब है साहब ने डायग्राम ड्रॉ कर बंदे जो है ना ये फुटबॉल खेलते हैं इन टोटल नौ बंदे बास्केटबॉल

सिमिलरली ये छह वो क्वांटिटी है कि वो बच्चे जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं उन दोनों में इंक्लूड हो रहे हैं सिमिलरली ये दो वो क्वांटिटी है जो बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं तो अगर मैं मिटा दूं तो आपका ये बेसिकली एक वेन डायग्राम गिवन है अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होती है निकालनी है जो फुटबॉल नहीं खेलते आ, सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं यानी कि हाउ मेनी मोर एथलीट्स प्ले फुटबॉल देन हॉकी अब देखो मुझे ये बात मालूम है कि मैं सबसे पहले जितने लोग फुटबॉल खेलते हैं सबकी तादाद निकाल लेता हूँ अब देखो मुझे मालूम है सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले अट्ठारह हैं और ये छह लोग वो हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं हॉकी भी खेलते हैं तो ये भी इसमें इजाफा हो गया ये जो एक बंदा है यह तीनों खेलता है फुटबॉल भी है बास्केटबॉल भी है हॉकी भी है उसको भी ऐड कर दिया और ये तीन लोग वो हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं तो सबसे पहले नंबर के ऊपर जितने भी फुटबॉल टोटल फुटबॉल खेलने वाले की तादादा उनको मैंने ले लिया अब इसमें से माइनस करवा दूंगा जो सिर्फ हॉकी खेल रहे होते हैं यानी कि जो हॉकी वाले बच्चे हैं हॉकी वाले देखो ये सात बच्चे सिर्फ हॉकी खेलते हैं ये दो बच्चे दोनों गेम खेलते हैं तो इनको भी माइनस करवा देंगे तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा सेवन प्लस का टू प्लस का सिक्स प्लस का वन अब ये हमने क्यों माइनस करवा रहे हैं जरा और से बात समझो भाई अट्ठारह लोग तो वो है जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं मगर ये छह वो

अब देखो अगर मैं इनको भी ऐड करवा लूंगा तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा सात और दो हमारे पास आ, ये बन गया तीन सही ना सात और छह और दो हमारे पास क्या बन गया बल्कि आसान कर लो ना यार सात और तीन डायरेक्टली कर लो दस बन गया दस और छह सोलह बन गया तो अट्ठाइस में से अगर मैं सोलह को माइनस करवाऊंगा तो आंसर क्या आएगा बारह यानी कि बारह बंदे ऐसे ज्यादा हैं जो हॉकी से ज्यादा लोग खेल रहे हैं यानी कि बारह बंदे वो हैं जो हॉकी से ज्यादा फुटबॉल खेल रहे हैं सही ना मेरा प्यारा बेटा तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया देखो अगेन सॉल्व करने की लॉजिक क्या होती है किसी भी टर्म पे आ सकती है बास्केटबॉल माइनस हॉकी आ

56 के ऊपर क्या होगा 56 के भी अगर फैक्टर्स मैं निकालूं तो क्या बनेगा ये आ जाएगा टू टू जर फोर टू एट जर सिक्सटीन देन टू वन जर टू एंड टू फोर जर एट देन टू सेवन जर फोर्टीन देन सेवन वन जर सेवन यानी कि देखो ट्वेंटी एट के मेरे पास फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे ट्वेंटी uh, एट के मेरे पास जो फैक्टर्स आ रहे होंगे ना तो जाहिर सी बात है वो हमारे पास आ रहे होंगे अल्लाह भला करे क्या क्या एक टू आ रहा है फिर एक टू आ रहा है फिर सेवन आ रहा है और चूंकि एक्स तो भी होगा सिमिलरली हमारे पास स्क्वायर के अंदर फैक्टर्स कौन कौन से होंगे बेटा ये हमारे पास आ रहे होंगे जाहिर सी बात है एक टू आ रहा है फिर एक टू आ रहा है फिर एक टू आ रहा है फिर एक सेवन आ रहा है और फिर वाई और वाई आ रहा है तो अगर मैं और से देखू तो देखू, अब देखो आप देखो बेटा इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं हाई कॉमन फैक्टर की वैल्यू हमें निकालनी है तो देखो सबसे पहले तो आप देखो आपके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं ये, ये टू और टू कॉमन फैक्टर है ये टू और टू आपका कॉमन फैक्टर है ये सेवन और सेवन आपका कॉमन फैक्टर है तो आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स अगर ना तो भाई देखो कॉमन फैक्टर्स को अगर मैं सिंपल मल्टीप्लाई करूंगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हमें इसको मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है अपने नॉन यूनिक वैल्यूज के साथ उसके पीछे रीजन ये भैया ये एल्सियम तो तो नहीं आ रहा है ना ये हमारे पास क्या हाइस्ट कॉमन फैक्टर्स दोनों जो कॉमन वैल्यूज आ रही है ना उनको हम सिंप्लीफाई करना है तो भाई सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास टू इंटू टू इंटू सेवन जो कि सिंपल बराबर होगा किसके ट्वेंटी एट के तो ये मेरे कॉमन फैक्टर्स आ गए तो अब यही मेरा क्या है एच है क्योंकि जाहिर सी बात है भाई बाकी जो वैल्यूज है दे आर दी फैक्टर्स बट दे आर नॉट दी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर्स है वो सिंपल फैक्टर्स हमारे आ रहे होंगे बाकी जो मेरे एक टू बच रहा है या एक्स और वाई बच रहा है तो वो मेरे सिंपल फैक्टर्स आ रहे हैं एग्जामिनर so, कहते हैं इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस विल नॉट रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ डैश हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर इक्वेशन कब आपके पास नहीं फॉर्म हो सकती देखो इक्वेशन होती क्या है ये आपके पास एक जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की दुनिया में कोई भी इक्वेशन उस वक्त होती है कि अगर कॉर्डेटिक्स स्क्वायर की वैल्यू एग्जिस्ट करती अगर X हो अगर स्क्वायर एग्जिस्ट करता होगा यानी कि पावर उसकी टू होगी यानी कि डिग्री टू होगी इक्वेशन की हाइएस्ट पावर स्क्वायर के बराबर होगी देन द इक्वेशन इज एज देनवेशन इक्वेशन अब एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई किस सूरत में इक्वेशन नहीं रहेगी जाहिर सी बात है अगर मैं किसी भी तरीके से इस वैल्यू को यहां से गायब कर दूं तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी

प्लस का फोर एक्स प्लस का फोर एक्स इक्वल टू जीरो तो भाई ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर की आ रही है आपके पास स्क्वायर एक्जिस्ट कर रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की

sin 30 cos 30 तो भाई कैसे सॉल्व करोगे आपको ये बात मालूम है कि साइन का डबल एंगल फार्मूला बन रहा है तो इसको क्लोज करवा दो ये टू जो होता है फार्मूले का होता है और जो एंगल आ रहा होता है वो एक ही बार लिखा जाता है तो 30 टू सर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री sin 60 डिग्री आपका आंसर हो गया sin है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ देयर इज x2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस का 1 कैन बी मेड अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग डैश अब देखो आपके पास सिंपल तरीके से एक इक्वेशन आ रही है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए अब खुद सोचो कि भाई तुम्हारे पास परफेक्ट स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होल स्क्वायर या ए माइनस के बी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस या माइनस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर अब देखो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए है ए का मतलब अब तुम खुद सोचो कि यार अगर तुम्हारा बी वन है तुम ऐसी किस टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए भाई जाहिर सी बात है तुम्हारे पास ए की वैल्यू क्या है A की वैल्यू एक्स डिवाइडेड बाई थ्री है ना तो तुम्हारा आंसर क्या होगा तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर एड करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए टू एक्स डिवाइड बाई थ्री चाहिए नॉर्मल सबेक्ट डिवाइडेड बाई थ्री चाहिए देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है आपको एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई नाइन प्लस वन गवे है इसका मतलब ये आपको ए स्क्यर और बी स्क्र गिवेन है एग्जामिनर कह रहे कि भाई बीच की ऐसी क्या वैल्यू मैं ऐड करूंगा कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो भाई जाहिर सी बात है अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पे टू एक्स डिवाइड बाई थ्री लेकर आ जाऊँ और ये भी कैसे लेकर आ रहा हूं तो में लेकर नहीं आ रहा भाई इसका फॉर्मूला है ना देखो ये ए का स्क्वायर है

भी अपने मंदिर के अंजाम पे पहुंच जाएगा मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा देखो आई सी के लिए मैंने जितने पास पेपर सॉल्व करवा रहा हूं आर मोर देन उनको भी बैठ के सॉल्व करो इसके अलावा आपको मजीद पास पेपर भी मिल जाएंगे ड्राइव के अंदर उनको भी बैठ के सॉल्व करो डिस्क्रिप्शन में ड्राइव मौजूद है है कहने का मकसद क्या है कि भाई द द मोर मोर यू यू विल बी सॉल्विंग हैव इन ऑर्डर टू गेन मार्क्स में रखिएगा कभी भी पेपर आपके सामने आए तो मेरे प्यारे शागिदू आपको उसको डायरेक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तमाम क्वेश्चन को आपने हमेशा कोशिश करनी है पहले आसान क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाए उसके बाद आप सिंपल क्वेश्चन

Will be करें, भी जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उस तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है आपकी लाजमी तौर के ऊपर कोशिश होनी चाहिए उस तक ये चीज पहुंचाई जाए तो यही पे आज की क्लास को एंड करेंगे उस उम्मीद के साथ बहुत सारी दुआओं में याद रखियेगा जजाकल्ला थैंक यू सो मचिया ऑफ